अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भाई। आप सब लोग प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप सबको भी एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम लोग, खैरियत से हो? आज मैं कुछ ज्यादा ही खैरियत से, क्योंकि आज तो चांद रात है और चांद रात है कल के फाइनल की, जो कि पाकिस्तान खेलने जा रहा है इंग्लैंड के साथ। एक दफा पहले भी ऐसी ही चांद रात आई थी, उस वक्त इतना सा था मैं नहीं, फैसल भाई, फैसल साहब इतने से थे, ऐसे ही है। कितने खुश हुए मेरे मजाक पे, ये चाहते मैं इनको बताऊं कि मुझसे छोटे भाई, कम से कम 20 साल बड़े हैं मुझसे, ऐसे ही है ना। चलो पहली बार कोई सच्ची बात तो मानी आपने, खैरियत से आप सब लोग? जबरदस्त भाई, मेरी टीम जबरदस्त है, पाकिस्तान की टीम जबरदस्त है, यहाँ की चारों टीम जबरदस्त है, एक टीम मेरी आप लोग भी है, आप लोग खैरियत से है ये बात तो। फिर एक बार अपने लिए जरा तालियां बजा के दिखाया मुझे, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन जबरदस्त। अच्छा भैया, कौन कौन है जो खाली पेट आया, कुछ खा के नहीं आया, जहर खा लो। हाँ, कौन है आप सब लोग? यार एक बात सुनो, ये हमारे शो में आज अली अजमत भाई आए हुए क्या? मुझे लग रहा था, नहीं नहीं, मिलते हुए मिलते हुए। खैर भाई, काशिफ कहाँ है मेरा काशिफ? जगह कहाँ है तुम लोग, कहाँ बैठते हो तुम लोग? मैंने आके यहाँ पर डांस करना होता है, आप अपनी जगह पर, आपने अपने, चलो जगह पे जाओ, चलो भाई जगह पे जाओ, चलो चलो चलो। हाँ भाई, कौन कौन है जिसे खाना है कुछ? काशिफ, इन सबके नाम लिख लो, इनमें से कोई भी अब गेम खेलने नहीं आएगा, इनको सिर्फ खिलाना है। अब बताओ, वो लोग जो यहाँ गेम्स खेलने आएंगे गाड़ियां जीतेंगे, बाइक जीतेंगे, ये भी वही लोग हैं। काशिफ क्या करें फिर, जब जब स्वीट्स एंड बेकर्स की तरफ से बहुत सारी चीजें, ये लो ये लो, जब जब स्वीट और स्वीट जर्नी, जब जब स्वीट्स एंड बेकर्स। और यहां सीधे आप जाएंगे, जल्दी भाग के, जब जब स्वीट्स एंड बेकर्स, चलो 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 चलो। जब जब स्वीट एंड बेकर, स्वीट जर्नी, रास्पुतीन। अच्छा, अरे भगदड़ मच गई, अरे बैठ जाए आराम से, भी बहुत सारे गेम्स बाकी हैं भाई। चले भाई, यहाँ तो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे गेम्स खेलता रहूंगा, पहले जरा उन लोगों से बात करूं जो कल हारे हैं फिर से। हाँ भाई, कैसे हो? लुई विटॉन, खैरियत से हो? जरा माइक देना लुई विटॉन को, इमरान लुई विटॉन। हाँ भाई इमरान, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम बताओ? लग नहीं रहा मुझे खैरियत से, माइक भी चला, माइक तेज करो भाई। हेलो हेलो, हाँ आप सही बोलो। सर मैं ठीक ठाक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फिट। अब तो मेरे पास बातें ही खत्म हो गई तुमसे कहने के लिए कि अच्छा खेल लो, इनको बुला लिया, इनको बुला लिया, और किन को, ये शक्लें देखो, ये मेरे हाथ में फंस जाती है शक्ल इसकी। अब बताओ, और मैं किसको, अब मैं किसको बुलाऊँ, और अब क्या रह गया जिंदगी? आस्ता आस्ता बढ़ी है, क्या कह रहा है ये? मतलब मैं मजाक ही उड़ाता रहूँ, खेलोगे नहीं? अच्छा तुम लोग, ऐसी बात नहीं है, कल भी गेम चेंजर से बाहर थे या नहीं थे? बराबर थे, आप कल तो बल्कि याद आया। अच्छा खेलते खेलते शाताज, आखिर के पूरे आवर के अंदर तुम लोग तकरीबन गेम्स हार गए अपने, वरना कल गेम चेंजर तुम लोग खेल रहे होते। दानिश भाई, हमारे साथ ये सीन भी हुआ था कि इमरान थोड़ा लेट आया था, हमारा माइनस वन भी हो गया, गेम चेंजर खेल रहे होते। लेकिन सर लास्ट आवर में नहीं, तुम लोग गेम चेंजर फिर भी ना खेल रहे होते, पूछो क्यों? अगर बराबर हो जाते वो कहते हम अपना एक पॉइंट यूज कर रहे हैं रॉकी वाला। अब जहन में ये रख के खेलना है, कम से कम 3 पॉइंट से हराना है, तब वो लोग बाहर होंगे। रॉकी के पास जो नई पावर है उसके हिसाब से 10 पॉइंट्स है उसके पास, जो वो पूरे अपने सीजन में यूज कर सकती है। इसलिए गाइस थोड़ा सा स्पीड अप हो जाओ यार, तुम लोग तो ऐसी बाहर हो जाओगे मुझे। नहीं सर, ऐसा पता है, मैं गेम शो देखते वक्त सोच ही रहा था आज दिन में कि शायद कहीं ऐसा मौका ना आ जाए
कि मुझे तीन दिन के शोज इनके बगैर कराने पड़े। तुम तीनों के साथ कितनी शर्म की बात होगी है कि एक टीम इतनी तगड़ी है कि ये तीन टीम्स मिलकर उसका मुकाबला ही नहीं कर सकती। सर इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। वो तो तुम रोज बोल रहे हो मुझसे। सर कश्यप ने कल ज्वाइन किया मैं और इंशाल्लाह कहानी कश्यप पे डाल दी। सर कल ही ज्वाइन किया और अब कल हार गए। बिकॉज सर कल आई थी। बहुत सारे गेम्स ऐसे थे बिल्कुल न्यू थे जो कि हमारे लिए भी थे और कश्यप के लिए भी थे, लेकिन आज इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। चलो बेस्ट देने की। सही है, मैं देखता हूँ आज कितना बेस्ट देते हो तुम लोग। हाँ भाई मिराल, वालेकुम अस्सलाम, क्या इरादा है तुम्हारा? इरादा तो अच्छा है सर। सीजन में एंड तक रहने का है या दरमियान से घर जाने का? एंड तक रहने का इंशाल्लाह। मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा मिराल। मैं जाके देखो, मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मैं शो देखता हूँ पूरा, एक एक चीज को नोटिस करता हूँ कौन कितना शो के अंदर है और कौन आ रहा है सिर्फ अपीयरेंस देने के लिए, और ये बात ये अच्छी तरह जानता है आदमी। इसलिए यहाँ तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारी बहन शहजाद हमारा सबसे तगड़ा प्लेयर है, प्रो प्लेयर है वो फीमेल प्लेयर्स के अंदर, और वो तुम्हारे साथ आई डोंट नो तुम लोग हेल्प कर रहे हो एक दूसरे को या नहीं कर। भाई घर पे तो कर सकते हो, यहाँ ना करो, घर पे तो कर लो कम से कम, ताकि वो कुछ अच्छा खेलना शुरू हो जाए। तो कह रही हम नहीं जानते, खुद ही ठीक है। कल गेम चेंजर से बाहर हो गए भाई। अब हम लोग के आपस में टीम में नहीं है, मगर आज हम लोगों ने सबने मिल के फैसला करा कि एक टीम होके खेलेंगे, और आज सर आपको बिल्कुल अलग नजर मुझे लगा कि सर हमने आज मिलकर फैसला किया है कि अब हम गेम शो नहीं खेलेंगे, हम घर जा रहे हैं, हमारी जगह आप चार नए लड़के बुला रहे। नहीं नहीं सर, आज आपको अलग टीम नजर आएगी, हमारी अलग टीम नजर आएगी सर, मिल के खेलेंगे जी भाई। आप माशाल्लाह बड़ा बुरा खेले कल। हाँ सर, शुरू के दो दिन खेला था अच्छा, वॉली फॉर्म वापस लाएंगे इंशाल्लाह। देखो मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ, ये दो डेज हैं तुम्हारे पास भी और तुम्हारे पास भी। तुम लोग की टीम नहीं जीती, दो प्लेयर्स चेंज हो जाएंगे अगले हफ्ते, इसलिए हर गेम को ऐसे समझो कि आखिरी बार खेल रहे हो, तब जीतोगे। सही है, ऑल द बेस्ट फॉर टुनाइट। हाँ भाई कैसे हैं आप लोग यूट्यूबर्स? माइक दे जरा इन लोगों को, माइक दिया जाए, माइक दिया जाए। कल अगर दो काम नहीं हुए होते तो गेम चेंजर तुम लोग खेल रहे थे, जीतते या हारते वो बात की बात है। गेम चेंजर हम लोग, एक तुम्हारे दोनों प्लेयर्स टाइम पर आते, प्लस टू होते जी। फिर तुम लोग जो एक्टिंग सेगमेंट थे जहां तुमने एक छोटी सी मिस्टेक की थी, और मिस्टेक छोटी हो या बड़ी, अगर मैंने किसी के सामने स्क्रिप्ट पढ़ाया और वो पूरी टास्क फुलफिल नहीं हुई, इन तीनों टीम्स को इस बात का राइट है कि वो बोल दें सर इन्होंने ये नहीं किया, और मैं उनकी बात सुन लूंगा। कल वही हुआ तुम्हारे साथ। अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम लोग यूज करते और अच्छी एक्टिंग तो करी थी तुम लोगों ने, लेकिन सिर्फ वो मिस ना करते, ये दो काम करते तो कल गेम चेंजर तुम लोग खेल रहे होते। कल तुम लोग बहुत अच्छा खेले हो, एक टीम बन के खेले हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी ऐसे ही खेलोगे। क्या कह रहे हो? इंशाल्लाह, मैं ये बोलना चाह रहा था कि आज हम लोग कल से ज़्यादा अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज हम लोगों ने कुछ चीज़ें अपनी प्रिपेयर की हैं, तो इंशाल्लाह कल से ज़्यादा आज अच्छा खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने कोई पॉइंटर को एक्टिंग में मिस ना करें, चारों में से अगर कोई भी आता है, ताकि हम दोबारा वो गलती ना करें। कि जब मैं कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ ना, तो इन तीनों से ज़्यादा ना तुम याद कर लो, जहाँ कुछ लगे कि मिस हो रहा है ना उसको कवर करने की तुम कोशिश कर लो, क्योंकि तुम एक्टिंग करते रहते हो, तुम्हें इस चीज़ का थोड़ा सा सेंस भी होगा। इन लोगों से ज़्यादा तुम याद कर लो, जहन नशीन कर लो कि मैंने मिस ना करने, ये वाली जो हरकत है ना तुम लोगों की, ये कई बार हो चुकी, पहली बार नहीं हुई है। इसलिए गाइस थोड़ा सा फोकस करके खेलो, बहुत अच्छी टीम है, तुम ही लोगों जो उनके साथ फाइनल खेल सकते हो मेरे हिसाब से इन चारों टीम्स के अंदर। ऑल द बेस्ट। अभी आप खैरियत से? पूछ लिया मैंने अभिया, खैरियत से हो? मैं इंतजार कर रही थी। पूछे तो पूछ लिया मैंने अभिया, क्या पूछा आपने? आप कैसी हैं अभिया? बेहद हसीन। समझाओ बेटे समझाओ। आपने एक और सवाल नहीं पूछा वैसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ये तुमने जब से एक्सरसाइज करना शुरू किया तुम ऐसी क्यों फिर रहे हो? ये अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं ना जिनको जुमा जुमा चार दिन हुए होते हैं, तो आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगता है अभी इनको दो हफ्ते हुए हैं जिम जाते हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? तो ये हरकत करने की ज़रूरत नहीं बेटे, नॉर्मल हो ना? हाँ अच्छा, नॉर्मल में इतने ज़्यादा मतलब मसल्स बढ़ गए हैं, तुम दरमियान में कैसे बैठ रहे हो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। शहताज, शहताज कहाँ से आ गई? जरनाब, कल तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया इसने एक्टिंग सेगमेंट में क्या किया है, कल देखा या नहीं देखा? एक्टिंग की थी। तुम देखो मैं उड़ते चढ़े के कैसे पर गिन लेता हूँ, मैंने शुरू में तुम्हें क्या बोला था, वो बेचारा तो लेफ्ट आउट भी गिर गया, देखो ना वो कहाँ बैठे, तीनों कितने करीब है, वो बेचारा किनारे बैठे, इसकी भी एक वजह है। असल में ये सिनेरियो मैंने बनाया है इस पे आने के लिए, इसकी भी एक वजह है। मैं कह रहा हूँ बाबा जी कैसे? एक बाबा जी है ना जो बताते हैं कि किस किस को टीम में होना चाहिए। नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं, मुझे तो लग रहा है कैसा है, ऐसा है या नहीं है? नहीं है, झूठ बोलना लाइफ, सच तो बोल यार।
अच्छा खैर तुम लोग शानदार खेल रहे हो, मुझे कोई बात तुम लोगों से ऐसी करनी नहीं है। कल मुझे ऐसा शुरू में लग रहा था कि शायद गेम चेंजर से बाहर हो जाओगे, शुरू में तुम लोग काफी पीछे थे, लेकिन व्हाट अ कमबैक गाइस, जबरदस्त खेले हो। इसको मिला के खिलवाओ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। पता है वजह क्या, क्यों बता रहा हूँ ये बात, एलिमिनेशन में और तुम्हारे ग्रैंड फिनाले के अंदर आते आते इसने पर्टिकुलर खेलने गेम्स दो लोगों के साथ का मुकाबला, जैसे हम रमजान में करते थे, अगर ये बाहर रही ना या तुम लोगों ने ज्यादा नहीं खिलाया तो तुम लोग एंड में पछताओगे। सर तीन दिन होते हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ तीनों दिन गाना भी इससे गवा लो। हाय चक्कर आ रहे सर, इंशाल्लाह जब हम कोशिश करें, इंशाल्लाह जब टीम को जरूरत होगी हम एक सिंगिंग के पॉइंट भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और सर तीन दिन है ना, फ्राइडे सैटरडे, सर वो मैं आपको ब्रेक में बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी करके खेलते हैं, तो इसी वजह से दुआ। मुझे ना बताओ, मुझे ना बताओ, वो तुम अपनी टीम तक रखो, वो तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है भाई, लेकिन खेल बहुत अच्छा रहे हो, शाबाश। चलिए जी शुरू करेंगे आज का गेम शो, होगा सबसे पहले म्यूजिक चैंपियंस के अलावा सब बजाएंगे, आप लोग नहीं बजाएंगे, सब बजाएंगे तालियां, म्यूजिक। दादा बिट्टू पहले क्या खेलेंगे, पहले गया मैं गोल गोल, चक्कर पे चक्कर, कौन आएगा खेलने के लिए, मिचेल जुबली की तरफ से एलईडी दूंगा, जुबली द इजी लाइफ, वो पीछे वाले भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, हाँ भाई और क्या आएगा, आप भी आइए, आपने आना है तो आए ना, फिर शर्मा क्यों ना भाई, तीन हो गए दो और, मिचेल्स जुबली द इजी लाइफ, मिचेल्स जुबली की तरफ से एलईडी जाएगी विनर के साथ, आ जाओ, आ जाए, आ जाए, आप आ जाए, वो पीछे वाले भाई आ जाओ, एक और चुप रहे चलो कितने हो गए, चार आ गए, आपको बोला है मैंने, आपको बोला है मैंने, एक दो तीन और ये वाले भाई चार, बस चेक वाला नहीं, वो पीछे वाला भाई, ये नहीं है आगे वाला नहीं है भाई, आप नहीं, आप वापस पीछे वाला भाई आ जाओ, बस चार लोग हो गए, चलो बस चार बहुत है, आओ जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अच्छा जी पहले मैं आपको गेम के रूल्स बता दूं, करना क्या है, खेलना कैसे, जल्दी से यहाँ पर आइएगा, ये बेसबॉल का बैट आप एक जगह रख देंगे और इसके साथ अपना माथा ऐसे जोड़ लेंगे, माथा कनेक्ट करना है और इसके गिर्द लेने चार चक्कर, अगर आपने माथा उठाया और चक्कर लिए, मैं चक्कर काउंट नहीं करता हूं, अब देखिए चक्कर लिए कैसे जाएंगे, काशिफ मियां लेके दिखाओ, एक देखिए इसका सर लगा हुआ है, दो तीन और ये चार, फौरन जाना है उस बास्केट में, बॉल्स हैं, एक वक्त में एक बॉल पिक करनी है और उस बास्केट में ड्रॉप कर देनी है, 40 सेकंड्स का टाइम है, आप नहीं खेलेंगे, वो कह रहे मुझे अभी चक्कर आ रहे हैं, मैं नहीं खेला, आप वापस, और कौन आएगा, काशिफ किसे बुलाएं, इनको किसी और चीज में बुला लेंगे ना, अभी चक्कर वगैरह आगे गिर गए फिर क्या होगा, मुझे लग रहा है इनको बुला लेता हूँ, खड़े होइएगा आप, खड़े होइए भाई, आओ आओ है, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, आपको किसी और गेम में बुलाऊंगा, आप फिक्र न करें, आप खेलेंगे, इतना हंस क्यों रहे काशिफ, खेलने के बाद पता चलेगा, आए आप आ जाए, आप आ जाए, अरे अरे यहाँ पर आइए आप लोग, गेम समझ में आ गया, 40 सेकंड्स का टाइम है, चक्कर लेने चार, बॉल पिक करनी है, बॉल ड्रॉप कर देनी है, फिर चार चक्कर लेने, फिर बॉल पिक करनी है, फिर ड्रॉप कर देनी, आइए सबसे पहले आप आइए आइए, लाओ भाई जल्दी से, चले भाई 40 सेकंड्स का टाइम है, अच्छा मैं आया, एक मिनट यहाँ आइए आप, ये आपका कैमरा है, मैं बोलूंगा रेडी गो, उसके बाद आपने नीचे जाना और शुरू करना, उससे पहले नहीं करना है, सही है, चलिए भाई। मैंने अभी तो समझाया आपको, मैं बोलूंगा रेडी गो, उसके बाद करेंगे, चले भाई शुरू हो जाए, रेडी गो, एक चाबा 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 चाबा, दो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, तीन, एक और एक और एक और चार, जाओ जाओ, अरे वाह, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, आप जीत सकते हैं, पिछले जुबली की तरफ रेलिटी है, एक दो तीन चार, जाओ जल्दी से,
अरे अरे जल्दी से एक टाइम अप सही है, इनको चक्कर नहीं आया, जबरदस्त खेले भाई। यार आपने गाना लगा दिया, लड़की आंख मारे, इसका चक्कर पे चक्कर से क्या ताल्लुक अप्पी? पता नहीं अप्पी अभी किसी और मूड में आया। भाई आपकी बारी आ गई, दो स्कोर और एक चक्कर, जबरदस्त खेल कर गए। इधर आइए सामने देखें, रेडी गो कहूंगा उसके बाद, से पहले नहीं करेंगे। चल अरे पापा सुन नहीं रहा मेरी बात, आप मैं कहूंगा रेडी गो उसके बाद, उससे पहले नहीं। चलिए रेडी गो, सर रख के एक दो तीन चार, अरे 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 भाई जल्दी, एक दो तीन, एक हाथ हुआ चार, अरे टाइम अप। यार ये जबरदस्त एक नई टेक्निक आई है शायद, इससे थोड़ी स्पीड तेज हो जाती हो, आप हाथ रखें और बन जाएं जहाज बहुत आला। आइए आइए आइए, आप मिले ही मुझसे और खेले भी है साथ साथ, और आपकी जो फैमिली बैठी हुई आपसे कह रही है कम ऑन, आइए रेडी गो, चलो चलो चलो, अरे चलो भाई एक जल्दी जल्दी चावा चावा चाइन जा रहा है, दो तीन चार जाए, अरे पकड़ा था कोई, अरे भाई अरे अरे पकड़ो कोई, अरे कांगड़ गया, मैंने संभाल भी लिया यहां पे के बच गए, फिर भी देखे चक्कर कहां है, यहां है, यहां आ रहे थे चक्कर ही, तो हमारे वॉलंटियर्स ने पकड़ा इन्हें, आ जाए वापस, एक स्कोर नहीं किया आपने, आइए आपकी बारी आ गई। चले भाई 40 सेकंड आपके पास, रेडी गो, ये बात जल्दी जल्दी, एक दो तीन चार, अरे बहुत आला बहुत आला बहुत आला शाबाश, जल्दी 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 20 सेकंड रह गए, 20 सेकंड जल्दी करें, चले एक दो जल्दी चार, बस 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 बारे देख के भाई, चले भाई आइए आपकी बारी आ गई। अभी ये कौन सा गाना था, तेरे पीछे पीछे, ठीक है हाँ भाई रेडी, आप रेडी गो कहूंगा उसके बाद से पहले शुरू नहीं करना, आपने सामने देखें ये कैमरा है आपका, रेडी गो, एक जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है, दो जल्दी करना होगा, तीन एक और क्या जाओ, अरे 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 चैंपियन के पास, जल्दी जल्दी एक दो तीन, एक और अरे ये दोनों लोग जो थे ये यहां गए चैंपियंस के पास, कल से यहां से हट जाना तुम लोग, जीत गए आप, आए भाई मिचेल्स जुबली की तरफ से एलईडी जाएगी भाई के साथ, बहुत सारी ताली और जाइए भाई मिचेल्स जुबली द इजी लाइफ, जाते वक्त अपनी अमानत लेके जाइएगा। अच्छा नेक्स्ट है जी, आइए प्लीज, अच्छा नेक्स्ट है रस्सा कशी, मुझे दो कपल्स चाहिए, कौन कौन आएगा, ईएमएस इवेंट्स एंड टूर्स की तरफ से पाकिस्तान टूर का पैकेज दूंगा, हाँ भाई कौन आएगा, दो कपल्स चाहिए रस्सा कशी, रस्सा कशी के लिए कौन आएगा,
आ जाओ आप, आपके साथ कौन है? आप दोनों आ जाएं। अच्छा जी, इनका मुकाबला करने कौन आएगा पहले उन्हें देख लें आप। आओ आ जाए आप, आ जाए। नहीं नहीं आप नहीं, वो पीछे वाले भाई। आप किन के साथ हैं? कपल ने आना है, कपल, मियां बीवी बहन भाई, कपल ने आना है। आ जाए दोनों, आ जाए। हाथ बात उतर जाएगा, जल्दी आइएगा, जल्दी आइएगा, जल्दी से आइएगा। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। EMS इवेंट्स एंड टूर्स की तरफ से पाकिस्तान टूर का पैकेज जाएगा। ये दरमियान में क्यों रुक गए भाई, इनको आने दो ना जल्दी जल्दी यार। आइए आप यहां से आगे पकड़िए, यहां से शूज उतार दें, आप स्लिप नहीं करेंगे। आप पीछे से पकड़िए, आ जाओ भाई साहब। आप पीछे जाएंगी, आप रहेंगे आगे। जल्दी से आइएगा, जल्दी से आइएगा बेटा, उनको बताओ आगे आइए। यहां से पकड़ना है आपने, बस आप थोड़ा पीछे रहिएगा, आप थोड़ा सा पीछे होइएगा, थोड़ा पीछे हो। अब आपने इसको खींचना है, अपनी तरफ खींच के दूर तक ले जाना है। सही है, मुकाबला है आप लोग। अरे एक मिनट भाई, अभी थोड़ी शुरू हुआ मुकाबला, रेडी को कहूंगा उसके बाद। चलिए भाई रेडी है दोनों? कहां गई? अच्छा रेडी है दोनों? EMS इवेंट्स एंड टूर्स की तरफ से पाकिस्तान टूर का पैकेज है, रेडी गो। हाँ हाँ, पतंग उड़ा दी उन्होंने, आपकी पतंग उड़ा दी उन्होंने। मुझे तो लगा गेम के लिए रेडी नहीं हो, खड़े हुए हैं वो, रेडी नहीं थे आप। लाओ भाई, EMS इवेंट्स एंड टूर्स की तरफ से ये 50,000 रुपए का पैकेज जाएगा भाई, आप दोनों के साथ आइए। बहुत बहुत मुबारक, EMS इवेंट्स एंड टूर्स की तरफ से ये पाकिस्तान टूर का पैकेज है, ये लीजिए। पाकिस्तानियों दिल से तालियां बजाएं एक बार आप लोग, ये बात बहुत बहुत मुबारक। आइए आओ भाई, नेक्स्ट गेम क्या है? हेडर्स पेनल्टी खेली जाएगी बच्चों के साथ, बच्चे जो के बहुत बड़े हो गए हैं, एक बच्चा तो तकरीबन मेरी उम्र का ही, कहां है लारे। सबसे पहला मुकाबला चैंपियन आएंगे, दूसरे नंबर पे आएंगे यूट्यूबर्स, तीसरे नंबर पे आने वाली टीम होगी टीम इंस्टाग्रामर, तो आखिर में आएंगे, आखिर में कौन आएगा? आप लोग आएंगे। ठीक है, हट जाओ यहाँ से, पीछे पीछे चलो भाई। एक एक पॉइंट बड़ा कीमती है, इसलिए मिस ना करना बस। अच्छा एक मिनट, कल वहां किसने खेला था? सेकंड डे लड़की नहीं खेलती है, थर्ड डे खेलेगी लड़की। ठीक है चलो, रेडी हो? सही है बिल्कुल। 40 सेकंड है तुम्हारे पास, टाइमर दीजिएगा मुझे, रेडी गो। बहुत शानदार गोल था, दूसरा गोल अच्छा था, दो गोल्स कर दिए टीम चैंपियंस ने। चलो चलो नेक्स्ट कौन है? यूट्यूबर्स की बारी है, वहां कल किसने खेला था, लड़की कौन थी वहां पे, और तुम यहां थे, बस ये शफल हो गया। ठीक है रेडी गाइस। हाँ कल गोल उसामा मार रहा था, आज तुम मारो, कल कोई भी यहां फीमेल प्लेयर आएगा तुम्हारा। रेडी गो। एक गोल, चाबा 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 चाबा। क्या बात है यार, बहुत आला। चलो 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 जाबत। दोनों गोल्स मार दिए, एक गोल करके आगे निकलते हैं यार, मिस कर दिया तुम लोगों ने। दो गोल्स के यूट्यूबर से, दो गोल्स के चैंपियन से बारी है इंस्टाग्रामर्स की, कम से कम दो गोल्स तो करने ही है। इमरान रेडी हो? चलो एक मिनट, यहां पर आ जाओ सारे,
इधर आ जाओ, बॉल ना रोकना, बॉल मैं ही रोकूंगा। रेडी गो। एक मिनट कश्यप, कितनी देर में रेडी होना तुमने? रेडी 40 सेकंड दोबारा दीजिएगा इन्हें। गाइस 40 सेकंड्स, गाइस रेडी गो। मारो आजा मेरी बाहों में, ऐसी मुलाकात में, छाओ में किया है। इंस्टाग्राम ने एक गोल किया है, दो चैंपियंस, दो यूट्यूबर्स बारी आई है टीम टिकटॉकर, जल्दी आओ जगह पे आओ। कल यहां थे ना तो चलो। रेडी गाइस 40 सेकंड्स, तीन गोल्स करने हैं दो पॉइंट्स जीतने के लिए। रेडी गो। अरे सेकंड है तुम्हारे पास। अरे क्या है मां, बहुत अच्छी कोशिश थी आखिरी, लेकिन गोल सकता था वो। इस तरह इंस्टाग्रामर्स के अलावा तीनों टीम्स के साथ जाएंगे, दो दो पॉइंट्स हो जाए। आजा मेरी बाहों में, मेरी गाहों में, सपनों की राहों में, दुनिया वाले दो दो ही हैं, चलने वाले हम तुमसे। नेक्स्ट है स्मैश द कप। सबसे पहले खेलने के लिए जो टीम आएगी वो टीम है इंस्टाग्रामर्स की, सेकंड होंगे टीम टिकटॉकर्स, थर्ड है टीम चैंपियंस, और आखिर में आएंगे यूट्यूबर्स। कोई बात नहीं, अभी गेम किसने खेला है? अभी तो दोनों लड़कों ने खेला है ना, आज कोई भी खेल सकता है, कोई भी खेल सकता है। हाँ यार, ये वो वाले ग्लासेस कहाँ हैं जो मैंने बोले थे? ये ट्रांसपेरेंट क्यों लेकर आए हो काशिफ? क्या हुआ है? नहीं है हमारे पास, कल लेकर आना। हट जाओ काशिफ, जब बोला करूँ वो रेडी कर लिया करो, जल्दी से आ जाओ। रिंग लेकर आओ यहाँ पे जल्दी से। पहली बारी किसकी है? इंस्टाग्राम की तरफ से कोई भी लड़की या लड़का खेल सकता है स्मैश द कप, या लड़के ने खेलना है आज। शहताज और जैन आए हैं, याद रखना है ये पहला गेम काउंट हो रहा है तुम लोगों का, इसके बाद जो भी गेम आएगा वो आप और कश्यप खेलेगी। हटो, चलो आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जगह पे, आओ जगह पे, आओ जल्दी से। 40 सेकंड है तुम लोगों के पास, दो पॉइंट्स हैं। वहां कौन जाएगा? एक प्लेयर जाएगा वहां पर, कोई भी ग्लासेस उठाने के लिए, कप उठाने के लिए एक प्लेयर जाएगा। रेडी गो। ज्यादा स्थिति ऊपर दे रही हो, नीचे दो। एक शाबाश। इस प्लेयर का काम है बॉल को देख के फेंकना, इतना ऊपर फेंक रही वो कैसे खेलेगा? तीन स्कोर किया है। हटा दो, हटा दो, चिपका, बस सही चिपकाओ इसको, नहीं चिपका दो जैसे चिपका हुआ था, बस हट जाओ जैसे चिपका हुआ था, वो सबके लिए बराबर है। हाँ वो एक दफा इस पर लगी थी और ये गिरा नहीं था, ये सही कह रहा है वो। तीन स्कोर किया है टीम इंस्टाग्राम से, बारी आई है टीम टिकटॉकर्स की, खेलने के लिए आया है जजी। अच्छा ये पहला गेम काउंट हो रहा है, इसके बाद जो भी गेम आएगा वो लारिफ खेलेगा। रेडी गो। अरमानों की अंजुमन में, बेसुध है अपनी लगन में।
किया जल्दी तुमने आज से। चलो भैया तीन स्कोर किया, सबसे आगे जा रहे इंस्टाग्राम इस बारी आई है टीम चैंपियंस की। कम ऑन चैंपियंस, बॉल्स लाओ जल्दी से, मुस्कान गलती ना करना, फोकस सिर्फ यहां रखना है कि तुमने बॉल सही देना है, बस सही है। रेडी गो, स्लो स्लो खिलाओ, चलो मैन वो सही खिला रही है अब। एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में, एक अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में। चैंपियंस ने भी एक ही स्कोर किया है, बारी आई यूट्यूबर की, सुनहरा मौका, सुनहरी मौका, चार स्कोर करना, तीन भी करोगे तो दो पॉइंट जीत जाओगे, अगर तीन स्कोर भी करोगे तो दो पॉइंट जीतोगे। रेडी गो, तो तुम स्ट्रोक लाओ, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में, एक अजनबी सा चेहरा रहता टीम्स बाहर हो गई, दो पॉइंट्स जाएंगे सिर्फ इंस्टाग्रामर्स के साथ। चलो भाई बारी आ गई मेरी, दो पॉइंट्स जीते हैं सिर्फ इंस्टाग्रामर्स ने। नेक्स्ट काशिफ डार्ट्स लेकर ऑडियंस के साथ, जल्दी से रेडी 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 रेडी, चलो जल्दी आ जाओ, रेडी गो। जागी है कैसे तलब सी, ये आरजू है जब सी, लेके किसी को पता, क्या छोड़ जा रहा है यार, थोड़े थोड़े यहां सड़क गए, यानी कि गैप शॉट ये तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। दो पॉइंट जाएंगे इंस्टाग्रामर्स के साथ, हो जाए। जागी है कैसी तलब सी, ये आरजू है जब सी, लेके किसी को बताना रे। नेक्स्ट है डार्ट्स गेम, तीन लड़कियां चाहिए जो खेलना चाहती हैं डार्ट्स गेम, कौन कौन आएगा, आओ बेटे, एक और दो और, शोर जो करेगा उसे बुला लेता हूँ मैं, जो शोर करता है उसे बुला लेता हूँ मैं, जो शोर करता है उसे बुला लेता हूँ, दो, एक और, एक और, एक और, एक और, आइए, शेफ मैजेस्टिक की तरफ से कुकवेयर सेट जाएगा आप में से किसी के साथ, द सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग, आप नहीं है, आप नहीं है, काशीपुर नहीं है, ये है, जल्दी से आइएगा आप, जल्दी से आइए। चलिए जी, चार चार बारी हैं, पहली बारी शुरू, जाइए गो। अरे सर फाड़ दिया बेटे, यहां मारना है, यहां काशी भाई को नहीं मारना, गो। दोनों बारियां जाया हो गई, तीसरी बारी, तीसरी बारी, आखिरी बारी, चारों बारियां जाया हो गई, आइए आपकी बारी आ गई। चलिए पहली बारी, पहली बारी जाया हो गई है, दूसरी बारी भी जाया हो गई है, आप डर के क्यों मारे, मारे जोर से, मारे जरा शमशेर की तरह, शमशेर ऐसे मारेंगे, आइए आपकी बारी आ गई, चलो भाई चार बारियां गो। आहा हा, 12 स्कोर, दूसरी बारी, आहा हा, निशाने ताक ताक के मारे, 26 दो में, पैर आगे जा रहा, अरे एक मिनट, आखिरी तीसरी बारी होगी, बताया पैर यही रखना है, आखिरी बारी 26, आहा हा, आइए आपकी बारी आ गई,
आपने स्कोर किया 26, 27 स्कोर करना है शेफ मैजिस्ट्री की तरफ से। कुपियर सेट है, पहली बारी जाया। 20 स्कोर कर दिया, सिर्फ 6 चाहिए जीतने के लिए। आखिरी बारी, जल्दबाजी में रखने, मौका है आपके पास, चलिए आखिरी बारी है। और 22 स्कोर किया, नहीं 26 स्कोर किया उन्होंने, वो जीतने आई है। शेफ मैजिस्ट्रिक की तरफ से कुकवेयर सेट जाएगा, इनके साथ बहुत सारी ताली होनी चाहिए पाकिस्तानियों पहले। द सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग, जाते वक्त अपनी अमानत लेके जाइएगा, मुझे स्कोर दिखाइएगा। अभी तक पहले ओवर के खत्म पे टीम्स के कितने स्कोर हैं जरा प्लीज दिखाइएगा मुझे। आहा, सब दो 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 दो। मैं जा रहा हूं 2 मिनट की ब्रेक पे, नहीं मैं जा रहा हूं तकरीबन 7 मिनट की ब्रेक पे, वापस आता हूं, कहीं मत जाइएगा। गेम शो ऐसे चलेगा, चलेगा। नेक्स्ट डांस कंपटीशन, कौन आना चाहेगा? जीतने वाले के साथ एलईडी जाएगी, एडोर की तरफ से एलईडी दूंगा। कौन कौन आएगा डांस करने? एडोर, इनका कहना है कि तू है हसीन, आओ एक और। कौन आएगा डांस कंपटीशन में? कौन आएगा एडोर की तरफ से एलईडी जाएगी, आओ। 4 आओ, 5 और एक और, आए आप, आए, आइए 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 आइए। चलो भाई, एडोर की तरफ से एलईडी जाएगी। बेटे अपना मुंह पीछे करो, आओ सबसे पहले आप आ जाओ जल्दी से, आइए इधर आइए जल्दी से, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। वालेकुम अस्सलाम, यहाँ आइएगा आप, आ गए, रेडी गो। नहीं नहीं, म्यूजिक पे डांस करना है। हाँ अब कर लोगे, चलो ओके। स्लो करूं, कौन सा गाना बजाऊं? ब्रेक कोई सा माइकल जैक्सन टाइप? गो। ओहो वाह वाह वाह, चलो आ जाओ। नेक्स्ट कौन है? आ जाओ, रेडी गाइस, आप अपना भाई, रेडी गो। अरे पैंट ना फट जाए भाई, अरे भाई बहुत आला। ये जहन का कोई इश्तेदार लग रहा है, वीडियो गेम वीडियोस देखता है। आइए आपकी बारी, आगे चलो भाई गो। क्या बात है, अरे बहुत आला भाई, वाला बहुत आला, वाह वाह वाह। मुझे शुरू में ऐसा लगा कि इन्होंने आगे गूगली डालनी है। आए आपकी बारी, आगे आइए, नहीं आना आपने, आए ना प्लीज,
सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं आप? आइए प्लीज आइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेडी भंगड़ा करेंगे भाई, गो। ओहो भंगड़ा भंगड़ा बलोची बलोची गाना, चलो रेडी गो। नेक्स्ट आपकी बारी आ गई, एडोर की तरफ से एलईडी जाएगी आप में से किसी एक के साथ, रेडी गो। हा हा ओहो वाह वाह, सारे स्टेप्स खत्म हो गए, इसमें इसका मतलब होता है खत्म। आए भाई आपकी बारी आ गई, रेडी गो। ये भी मैं सीख गया हूं, वैसे क्या है ये देखिए आप। हाँ भाई आपकी बारी आ गई, क्या लगा तू? हाँ जी हुजूर, ये कौन सा गाना है बेटे? हाँ जी हुजूर, ये तो हमें पता ही नहीं गाना कौन सा, कौन सा कौन सा दिन तनक दिन तन वो वाला वो बेटे, मैंने इनको पता है, आपको पता ही कौन सा गाना है भाई। जरनाब आप बजा दें जाके, नहीं बेटे जो भी ये बजाएंगे आपको उस पर डांस करना आ जाओ, रेडी गो। आ जाए सब लाइन से आ जाए, आप डिसाइड करेंगे डोर की तरफ से एलईडी जाएगी इनमें से किसी एक के साथ, जल्दी से आइएगा। जिनके ख्याल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी तालियां बजाइए, ठीक है पीछे जाइए आप। जिनके ख्याल में ये वाले भाई, वो बच्चे वहां जाइए, जिनके ख्याल में ये भाई वापस, जिनके ख्याल में ये वाला भाई, अरे अरे चक्कर आ गए, पीछे हो जाओ, ये गुगली वहां जाके बैठना आप, या फिर ये वाले भाई, ये या यहाँ पर ये या आ, आ ये आ, हाँ दोनों आगे आ जाए। अच्छा अब शोर नहीं करना, सिर्फ तालियां बजानी ताकि मैं समझूं कि जीता कौन है। जिनके ख्याल में ये वाला भाई, ये तुम्हारी फैमिली बड़ी जोर से तालियां बजा रही है, सही है आप साइड पर आ जाओ। जिनके ख्याल में ये वाला भाई, लो भाई एडोर की तरफ से ये एलईडी जाएगी आपके साथ, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए भाई के लिए। एडोर तू है हसीन, जाते वक्त अपनी अमानत लेके जाइएगा। चलो भाई आइए जी, आप लोगों की बारी आ गई, सबसे पहले दिखाओ जल्दी से डांस कॉम्पिटिशन के लिए। सबसे पहले यहां पर कौन आएगा परफॉर्म करने? आएंगे टिकटॉकर्स, सेकेंड है चैंपियंस, थर्ड इंस्टाग्रामर्स और आखिर में आएंगे यूट्यूबर्स। चलो भाई रेडी गो। एक मिनट, नहीं 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 अभी रुक जाओ, 50 सेकंड्स का टाइमर नहीं आया। रेडी गो।
करना, इसका एक सिग्नेचर स्टेप है, ये हर सीजन वो क्यों करता है, ये वो क्यों करता है, जरा से पूछना कभी, है ना। चलो भाई उमर मियां, बड़े इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं, रेडी गो मैन। हमारा लुई विटॉन, रेडी इमरान, रेडी टाइमर लाओ भाई, रेडी गो। चलो भाई बारी आई है सामा की, रेडी गाइस, रेडी गो। आप लोग बताइए पहले ज्यादा बेहतर कौन है, फिर से मैं कोई बात ऐड कर दूंगा। माइक दीजिएगा जी फैसल को। दानिश भाई आज थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बजाने में लगे थे, बहुत ज्यादा इतना फोकस होकर नहीं देखा, लेकिन बजाने में गुम थे आप लोग। जी हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि आज वो सफदर का थोड़ा सा मसला हो गया, वो इसलिए वो चले गए। अच्छा कोई बात, तो खैर ये कि जो हमें जो अभी लास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी और किधर गए, हाँ एक और इमरान की, ये दो परफॉर्मेंस हमें जो ओवरऑल एक देखी तो उसमें ज़्यादा बेहतर लगी। अच्छा, बाकी आप अपनी राय। चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी, स्टार्ट फ्रॉम लारेब भी जब आया तो एनर्जी बहुत अच्छी थी, कुछ स्टेप्स नए थे, काफ़ी सारे स्टेप्स पुराने थे लेकिन एनर्जी अच्छी थी और म्यूज़िक के हिसाब से डांस कर रहा था। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे उमर आया था, उमर ने भी फ्लोर को पूरा यूज़ किया, वो जिस तरह का डांस करता है तकरीबन उसी तरह का था लेकिन एनर्जी अच्छी थी। लेकिन तुम चारों के अंदर थोड़ा सा अगर टेक्निकली मैं देखूंगा ना तो ज़्यादा बेहतर इमरान था, क्योंकि उसके स्टेप्स जो थे वो मुश्किल थे दिखने के अंदर भी और वो टेक्निकली भी ज़्यादा साउंड कर रहे थे कि आपको लग रहा हो कि यार कोई प्रोफेशनल डांसर डांस कर रहा है, उसको इस बात का एडवांटेज जाता है, इसको ये बात पता है। चारों टीम्स में सबसे बेहतर जो था वो इंस्टाग्रामर से। अच्छा जब उसामा आया तो मुझे लगा था कि शायद तुम रह जाओगे क्योंकि लारेब ने और उमर ने ना तकरीबन बराबर का डांस किया हुआ था, लेकिन तुमने मेरे ख्याल से 10-12 सेकंड्स के बाद जितने स्टेप्स किए वो तकरीबन नए थे, मेरे ख्याल से तुम्हें शायद अब्दुल्ला ने गाइड किया है, क्या क्या शाबाश ज़बरदस्त। बीच में तुमने फिर हेड स्टैंड भी किया, फर्स्ट टाइम किया है आज, इससे पहले तुमने किया लेकिन आज ज़्यादा स्मूथ था वो, तुम तकरीबन सीधे खड़े हो गए थे। दो पॉइंट्स जाएंगे इंस्टाग्रामर्स के साथ, तीनों टीम्स के साथ बाकी जाएगा एक एक पॉइंट हो जाएगा। हाँ
हमारे सीनियर कैमरामैन है जहीर, ये वाले भाई ये वाले इनकी बर्थडे है। तो जहीर भाई आपको हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे, खुश रहिए हमेशा। हाँ हो जाए भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जहीर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। चलिए भाई अपने अपने कूपन्स निकालिए क्योंकि वक्त आ गया है आज के सबसे बड़े गेम का, जिसमें आप 4 मिनट के अंदर लखपति बन सकते हैं। निकालिए अपने अपने कूपन्स, देखता हूं कि आज किस्मत किसके साथ है। फोर टू वन फोर फाइव सना नाम है जी, जीएस 42145 सना, कौन है आप लोग हैं पहले चेक करो जाके, जल्दी से चेक करो और मुझे बताओ क्या यही फैमिली है, यही है। आइए जल्दी से आपको वेलकम करता हूं हमारे शो में, देखता हूं कि किस्मत आज इनके साथ है या नहीं। जल्दी से आइएगा, है शादाज कुछ कह रही हो, हाँ यहां आइएगा प्लीज, माइक उठाइएगा, तीनों लोग माइक उठा लीजिए। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड्स हैं, इन 10 सेकंड्स के अंदर सोचिए और बताइए कौन सा ब्रीफकेस आपको अपने लिए मंगवाना है। 1 से लेकर 9 तक ब्रीफकेस है बेटा, माइक हाथ में पकड़ के रखिएगा, पोडियम पे ना रखो, आवाज होती है। 10 सेकंड्स शुरू होते हैं आपके अब, मंगाइए जल्दी से, सोचिए। टाइम जा रहा है, 9 नंबर 9 लाओ भाई, नंबर 9 लेकर आओ। इन्होंने मंगवाया है अपने लिए ब्रीफकेस नंबर 9, मैं देखता हूं ब्रीफकेस नंबर 9 में क्या है, उसके बाद आपको दूंगा अपनी पहली ऑफर। पहली ऑफर दे रहा हूं और तगड़ी ऑफर दे रहा हूं, 1 लाख रुपए कैश दूंगा मैं, कम देता हूं पहली ऑफर 1 लाख रुपए, याद रखिएगा पहली ऑफर दे रहा हूं 1 लाख रुपए, अब तो बढ़ाऊंगा ज्यादा नहीं। 1 लाख में क्या होगा, 4 बनने हम लोग, पचास। ये समझ में नहीं आया कि अगर किसी दिन 10 फैमिली मेंबर्स की यहाँ कोई फैमिली आ गई तो वो तो यही बोलते रहेंगे 10 लाख में क्या होगा, ये तो हम 1-1 लाख बांट सर डिवाइड होंगे ना 25-25। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप एक टिकट पर आते हो सही है, ये सना आप में से कौन है, आप इनके टिकट पे आप तीनों आए हुए हैं, आप एक्चुअली खेलना इन्होंने, इनका सीट नंबर है सही है, तो वो 1 लाख रुपए हमारे हिसाब से अभी इनके लिए है, ये आप लोगों को बाद में देना, हमें नहीं परवाह इस चीज की, हम तो इनके साथ खेल रहे हैं। है, नहीं देंगी, 25,000 चाहिए मेरे को। चले वो आप लोग आपस में बात कीजिएगा, लेकिन मेरी तरफ से पहली ऑफर है 1 लाख रुपए कैश की आपके। 1 लाख नहीं। अच्छा देखो 9 ब्रीफकेसेस है, 4 बड़े इनामात है, 5 छोटे इनामात है, अगर कोई बड़ा इनाम है इसके अंदर तो तकरीबन 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए तक का होगा, 13 लाख का भी है, 14 लाख का भी, अगर कोई छोटा इनाम है तो याद रखो सिर्फ 30,000 या 40,000 रुपए का होगा, उसके हिसाब से अगर सोचो तो 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है जो मैं पहली ऑफर दे रहा हूँ। नहीं चाहिए, नहीं ला भाई। अच्छा आपने ऐसा क्या सर ऑफर बढ़ाए, बढ़ा दी एडोर की तरफ से एलईडी दोनों, नहीं अब 1 लाख रुपए कैश और 1 LED कुल मिला के तकरीबन 1,30,000-1,40,000 रुपए तक है मिला के, 50,000 का तो इन दोनों का मेकअप हो जाएगा, बकाया हमें LED लेके जाएंगे हम घर, इनका मेकअप हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, 50,000 का तो इन दोनों का मेकअप आ जाएगा, तो वो पैसे वही जीत रही है, वो 1 लाख रुपए का मेकअप करा ले तो हम क्या लेके जाएंगे, तुम्हें आए तुम्हें किसने बुलाया, इन लोगों के साथ तो आयो तुम यार। हाँ देखो ना मैं एक चीज ये समझा रहा हूँ कि एक टिकट पे आपका जो सीट नंबर होता है ना, कोई एक खुश नसीब होता है, हम उसके हिसाब से खेल रहे हैं, आप जितना भी सामान जीतेंगे वो घर जाके किसी को भी दो, हमें क्या, नहीं लेकिन ऑफर बहुत कम है, बढ़ा दी लाओ, विंटरलैंड की तरफ से 1 बाइक और ऐड करता हूँ, शायद हम ना बढ़ाऊ, 1 लाख रुपए एडोर की तरफ से 1 LED है और 1 बाइक है विंटरलैंड की तरफ से, अब ये कुल मिला के तकरीबन 2.25 लाख रुपए आपके पास, नहीं सर कम है, अभी भी लग रहा है कम है, ब्रीफकेस चाहिए, ब्रीफकेस ऑफर बढ़ाए और बढ़ाओ, बढ़ा दी 1,50,000, चलो ये फाइनल ऑफर होगी मेरी, 1.5 लाख रुपए कैश दूंगा, 1 बाइक दूंगा, 1 LED दूंगा, बताइए कम है, नहीं सर कम है,
कम है। आइए जी इनको काउंटडाउन देते हैं और इनको बताते हैं कि कम है या नहीं। कम होने से याद आया, आप लोगों में कौन कौन है जिसे लगता है कि मेरी ऑफर 1.5 लाख रुपए, एक बाइक, एक एलईडी बहुत अच्छी है, जरा हाथ उठाएं। और वो लोग जो कहते हैं नहीं, किस्मत आजमानी चाहिए, ब्रीफकेस के साथ रुकना चाहिए, वो कौन कौन है? ये कम लोग हैं, सब कह रहे हैं कि आपको ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए। खैर आपकी अपनी मर्जी है, ये टाइम जा रहा है, मैं दूंगा काउंट डाउन, आप लोग देंगे मेरा साथ। 10 सर ब्रीफकेस ऑफर नहीं चाहिए, थोड़ी सी और बढ़ाए ना सर, बढ़ाऊं? 2 लाख रुपए कैश दूंगा, फाइनल ऑफर है, एक बाइक दूंगा, एक एलईडी दूंगा, ब्रीफकेस छोड़ दो। 2 लाख रुपए कैश है, एक बाइक है, एक एलईडी है, ये कुल मिला के तकरीबन अब 3 लाख रुपए हैं आपके पास। किस बात की बात? एक बात सोचो सिर्फ, ऐसे सिर्फ ये सोच के मत खेलना कि इसमें कोई गाड़ी या बड़ा इनाम होगा। अगर कोई छोटा इनाम निकल आया तो 30,000 रुपए 40,000 रुपए तक का होगा। हमारा नसीब अभी कमा रहे हो 3 लाख रुपए, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, फिर वही इनाम मिलेगा जो निकलेगा। ऑफर बढ़ा है सर, बकाया वो। ये मेरी फाइनल ऑफर है, 2 लाख रुपए, साथ में एक बाइक, एक एलईडी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, 2 लाख रुपए कैश है, विंटरलैंड की तरफ से बाइक है और एडोर की तरफ से एलईडी है, या फिर ब्रीफकेस? ठीक है, टाइम अप, आपने जवाब देना है मुझे बस। ब्रीफकेस। ब्रीफकेस। ब्रीफकेस फाइनल। मैंने इन्हें ऑफर दिए 2 लाख रुपए की, एक बाइक भी जीत रहे थे, एक एलईडी भी जीत रहे थे, इन्होंने कहा कि नहीं चाहिए। अब इनकी किस्मत में जो कुछ है, एक्चुअली इन्होंने इसीलिए बोला कि नहीं चाहिए, ये सारी चीजें इनकी किस्मत में है, एक फूड फैक्ट्री। अच्छा, मैंने इनको इतनी बार क्लू दिया है कि अगर 30-40 हज़ार रुपए की चीज निकल गई, नहीं माइक्रोवेव निकला है आपका, माइक्रोवेव है। मैंने इनको क्लू भी दिया कि 30-40 हज़ार रुपए की कोई चीज निकल आएगी, उसके हिसाब से 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा, लेकिन समझे नहीं का। बहुत सारी ताली होनी चाहिए भाई, एक माइक्रोवेव, इनको बहुत बहुत मुबारक, प्लीज बैठिएगा जाके। हाँ भाई, नेक्स्ट गेम जल्दी से, रिंग वाला गेम है, जल्दी से लेकर आओ, जल्दी 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 जल्दी। सबसे पहले खेलने के लिए जो टीम आएगी वो टीम है टीम टिकटॉकर्स। आज कौन खेलेगा रिंग वाला गेम? क्यों? सेकंड है यूट्यूबर्स, जल्दी से। थर्ड है इंस्टाग्रामर, तो आखिर में आएंगे चैंपियंस। चलो भाई जल्दी से आ जाओ, जो प्लेयर्स कल आए थे वो आज नहीं खेलेंगे, कल कौन खेला था? जल्दी से आ जाओ, जल्दी 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 वाला को ले जाके। रिंग्स वाला गेम आ गया है, मुश्किल गेम है। हाँ, आज वो नहीं खेलेंगे, आज दूसरा प्लेयर खेलेगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कल जैसी ने खेला था और जनाब ने खेला था। अच्छा, आज लारेब की बारी है, बिल्कुल सही है। 40 सेकंड से लारेब तुम्हारे पास, बाहर ला के रखो यहां पे। काशिफ जल्दी से, तुम लोग भूल क्यों जाते हो? जल्दी जल्दी आगे रखो, ऑरेंज वाली लाइन के पास। हाँ, पहन के रख सकते हो, ये तुम्हें आगे टैप करेगा, उसके बाद निकलना है तुम लोग। चलो भाई लारेब, रेडी हो? 40 सेकंड है तुम्हारे पास, रेडी गो। क्या हुआ लारेब? अच्छा, उसके पैर में, लेकिन देखो अब वो, उसको टाइम दिया गया था, उसने खुद कहा कि मैं नहीं खेलूंगा फर्दर, हमने नहीं बोला उसको, उसने खुद कहा कि मैं नहीं खेलूंगा। आप लोग यहाँ से आ जाओ जल्दी से। सेकंड कौन था? दूसरी बारी किसकी है गाइस? सेकंड कौन है? तो जाओ जल्दी से ना। किसका? कल कौन खेला था ये गेम? बस आज अभी है और तुम्हारी बारी है। तो क्या अभी इसमें क्या रॉकेट साइंस है? बस इसको यूं फंसा लो और जंप करके जाना, पैर नीचे ना रखना। अच्छा, दूसरी चीज ये अभिया, लिसन टू मी, वहां पहुंच के भी तुमने पैर नीचे नहीं रखना है, जब तक कि तुम रिंग वहां ना डाल दो, पैर नीचे नहीं रखना है, सही है? बैलेंस करके लेके जाना है। बारी आई है टीम यूट्यूबर्स की, कोई स्कोर नहीं किया है टीम टिकटॉकर्स ने, रेडी गो।
शाबाश शाबाश वापस 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 शाबाश कम ऑन उठना मुश्किल मेरे चल रहे टाइम जा रहा है एक स्कोर किया टीम यूट्यूबर्स ने इस तरह तो तुम लोग नहीं जीतोगे भाई सुनहरी मौका है तुम दोनों के पास इंस्टाग्रामर्स रेडी गो इंस्टाग्रामर्स ने 40 सेकंड में 5 स्कोर कर दिया अगर 2 स्कोर भी करते हो तो 1 पॉइंट जीत जाओगे 5 स्कोर करोगे तो 2 पॉइंट जीतोगे रेडी बाहर निकालो तुम नहीं वो दूसरा प्लेयर रेडी गो अब तू जरा संभल ले रुक जाओ ये स्कोर नहीं किया सारा टाइम जाया कर दिया इस तरह 2 पॉइंट्स जाएंगे टीम इंस्टाग्रामर्स के साथ और 1 पॉइंट जाएगा चैंपियंस के साथ हो जाए ऐ दिल मेरे चल ले धीरे धीरे इंस्टाग्रामर्स ने 1 पॉइंट जीता चैंपियंस ने नेक्स्ट है म्यूजिकल चेयर्स 7 लड़कियां जो म्यूजिकल चेयर्स खेलने आना चाहती हैं फेस फ्रेश क्लेंजर क्रीम की तरफ से बाइक जाएगी ग्रीन आप नहीं आ जाओ आप आ जाओ दोनों आ जाओ आइए 3 4 5 6 आइए आइए जल्दी आइए 7 और वो पीछे व्हाइट्स का वाली बच्ची 8 बस बस जल्दी से बस 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 बाकी लोग बैठ जाएं जल्दी से घूम के आइए जल्दी आइए जाइयों का मुकम्मल खात्मा क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल फेस फ्रेश क्लेंजर क्रीम की तरफ से बाइक जाएगी इनमें से किसी एक प्लेयर के साथ जल्दी आइएगा जल्दी 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 आइएगा जल्दी आइएगा आ जाओ बेटे अच्छा आप सुन लीजिएगा रूल सुन लीजिएगा सब एक ही बार बताऊंगा आप सबको मैं जल्दी आइए बेटे जल्दी जाओ किसी ने भी राउंड लेते वक्त चेयर पे ऐसे हाथ नहीं रखना है आप हाथ या तो बांध के खेलेंगे या हाथ दूर छोड़ के खेलेंगे हाथ रख के नहीं खेलना है किसी ने भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा म्यूजिक के पूरी तरह रुकने का इंतजार करना है बाजुकात ऐसा होता है म्यूजिक स्लो हो जाता है और अगर गलती से कोई बैठ गया वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा म्यूजिक के रुकने का वेट करना आइए शुरू करते हैं रेडी गो कौन कौन बैठा पहले आप भी आउट हो गए हो और आप पहले बैठ गए आप आउट हो गए मैंने कहा था म्यूजिक स्लो होगा बैठना नहीं है दोनों आउट हो गए किन्होंने बैठते वक्त या चलते वक्त आपने हाथ रखा है चलते वक्त चेयर पे हाथ रखा है आपने अच्छा गिर रही थी वो सही आ जाओ कितने आ जाइए शुरू कीजिए रेडी
गो। जीना मुश्किल हो गया। सो रहे हैं आप दोनों? आप दोनों बाहर। अच्छा काशिफ जी डांट रहे, चले आप दोनों बाहर हैं। काशिफ आराम से यार, आप भी बाहर हो गई ना, आप बाहर हो गई ना, आप नहीं बैठी ना। चलिए जी, 1 2 3 4 5 6 चेयर्स कितनी है? 5। रेडी गो। कौन बाहर हुआ भाई? आप बाहर हो गए। एक चेयर और रही है। रेडी गो। संभालो मुझको। अरे भाई, ओ मेरे यारों, एक चेयर आप इसमें गैप करो, गैप करो। अच्छा अब दरमियान में से किसी ने नहीं आना है, सबने घूम के ऑल द वे घूम के बैठना है। यहां से आगे किसी ने नहीं, शॉर्ट ने शॉर्टकट नहीं मारना है। रेडी गो। चलिए आप आउट। चलिए जी एक चेयर डालिए जल्दी से। रेडी गो। कौन है? कौन बैठा पहले? रिप्ले दिखाओ भाई, पहले पहले कौन बात करेगा, मुझे रिप्ले दिखाइएगा, रिप्ले दिखाइएगा। अभी देखते हैं रिप्ले। नैनो सेकंड्स आप आ जाए, ठीक। रिप्ले दिखाइएगा मुझे जी, दिखाइए दोनों में से पहले कौन बैठा है, बाद में कौन बैठा है। दिल में मेरे तो मैं ही आ गया, तो मैं ही आ गया। कब दिखाओगे रिप्ले? जे आप बाद में बैठे, वो पहले बैठ गई, पीछे से बैठ गई वो। चले भाई एक चेयर। अच्छा आप किसके साथ आए हो? इनके साथ कौन आया है? नहीं कोई मेल आया है, इनके फादर। आप आइए इस तरफ आ जाइए। आपके साथ कौन है बेटे? इनके फादर कौन है? आइए नीचे आइए। दोनों में से जो जीते वो फौरन फ्लोर पे आए और अपनी बाइक लेके जाए। रेडी गो। पहले कौन बैठा है? नहीं इसमें गलती बताता हूँ क्या है, आप लोगों ने म्यूजिक बिल्कुल रोक दिया था,
एक सेकंड के लिए म्यूजिक बिल्कुल नहीं रोकना आपने, अगर स्लो भी है तो कुछ ना कुछ हल्के से बजता रहेगा, नहीं वो उनकी गलती, दोबारा करेंगे, रेडी गो। पकड़ो और बाइक जाएगी इस बच्ची के साथ, जाइयो का मुकम्मल खात्मा, क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। आइए जल्दी से आइए, फेस फ्रेश क्लेंजर क्रीम की तरफ से बाइक जाएगी इनके साथ। पहले बहुत सारी तालियां और जाइए पाकिस्तानियों, कमल के आइए अभी नहीं, चलो 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 चलो। जाइयों का मुकम्मल खात्मा, क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल, फेस फ्रेश क्लेंजर क्रीम की तरफ से बाइक जीती है। आप लोगों ने बहुत बहुत मुबारक। नेक्स्ट गेम जल्दी से, हाँ ये ले आओ, ले आओ जल्दी से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। आइएगा जल्दी से, सबसे पहले खेलने के लिए यूट्यूबर्स आएंगे, दूसरे नंबर पे इंस्टाग्रामर्स होंगे, थर्ड होंगे टिकटॉकर्स, और आखिर में आएंगे चैंपियंस। अच्छा कल किस किस ने खेला था, कल लड़कियों ने खेला था, आज फिर से लड़का खेलेगा। फर्स्ट डे कौन आया था खेलने के लिए, कल कल लड़कियों ने नहीं, दूसरी लड़की नहीं खेलेगी आज, लड़कों की बारी है, दोनों लड़कों में से कोई एक खेल सकता है। बॉल रखो आखिर में, गाइस थोड़ा सा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ थोड़ा सा। काशिफ तुमने थोड़ा इधर नहीं लगा दिया इसको, बीच में लाओ ना, तो सब एक मिनट रुक जाओ, और थोड़ा राइट पे जाओ काशिफ, राइट पे लेके जाओ पहले वाला बेटे, राइट का मतलब इस तरफ लेके जाओ थोड़ा पीछे, बस अब एडजस्ट करो सबको जी, टाइम तो सबका ही काउंट होता है, नहीं नहीं इनका तो, अगर इन्होंने गलती की शुरू से आगे खेलेंगे इनका काउंट नहीं होगा। लड़कियों को जो एडवांटेज मिलता है कि अगर बॉल मिस कर दी इन्होंने तो वहां तक स्कोर किया, लड़कों का नहीं, लड़कों को ऑल द वे एक स्कोर पूरा करना है तभी काउंट होगा। 40 सेकंड से असेंडिंग ऑर्डर में टाइमर चलेगा, रेडी गो। सेकंड से तुम्हारे हाथ से बॉल छूटा है, वो कह रहा है नहीं, एक मिनट रिप्ले दिखाओ मुझे, रिप्ले दिखाइएगा मुझे गाइस, रिप्ले दिखाइएगा मुझे, पहले शुरू का तो देख लूं मैं, भले नॉर्मल स्पीड में दिखा दो, बस मुझे दिखा दो एक दफा क्या हुआ क्या। लॉन्ग शॉट है यार ये तो, बारह सेकंड हो गया था मुझे, अब दिखाओ पीछे करो, पीछे करो, दिखाओ दिखाओ आगे चलो, दोबारा दिखाओ मुझे, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे पीछे पीछे, जल्दी से पीछे जाओ पीछे जाओ, दिखाओ चलो आगे चलो आगे चलो, मिस जो हुआ है ना इसका हाथ हवा में गया लेकिन बॉल ने बाउंस एक ही दफा किया, दिखाओ दोबारा, यही बात मैं चेक कर रहा था, बॉल एक दफा बाउंस करके गया है, हाथ उसका हवा में गया, फिर से दिखाओ इसको जल्दी से, दिखाइएगा मुझे यहां पर, बॉल ने बाउंस एक ही दफा किया, हाथ इसका हवा में गया, दिखाओ बस यहां से दिखाओ, ठीक है स्लो करना स्लो करना, आप स्लो करो, दोबारा दिखाओ दोबारा, पीछे करो पीछे करो पीछे करो पीछे करो, दिखाओ गो आगे चलो आगे चलो, सही आगे चलो आगे चलो गाइस, सही है, एक बाउंस एक बाउंस एक बाउंस, मिस कर दिया, सही कह रहा है वो, 12 सेकंड हो गए, दोबारा आ जाओ दोबारा आ जाओ, 12 सेकंड जाया होगा तुम लोगों के, 12 सेकंड्स के बाद का टाइम चलेगा गाइस, 12 सेकंड्स के बाद का, 12 सेकंड से आगे असेंडिंग ऑर्डर में टाइमर चलेगा, रुक जाओ, रेडी गो।
22 सेकंड में स्कोर किया। बारी किसकी है, नेक्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, आ जाओ भाई। बारी है जैन की, असेंडिंग ऑर्डर में टाइमर चलेगा। हाँ 11 नहीं 12 सेकंड से टीम बता रही है मुझे। रेडी गो। तेरह सेकंड्स में किया तुमने, आ जाओ भाई। बारी है अब टीम टिकटॉकर्स खेलने के लिए आया है। जेजी रेडी गो। हमको हमेशा मुस्कुरा के बिताना, हंस के हंसा के जिंदगी को मिटाना। 16 सेकंड्स में किया तुमने, दूसरे नंबर पर टिकटॉकर्स रहे हैं। 13 सेकंड्स में अभी तक सबसे आगे जा रहे हैं इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स बाहर हो गए। 22 सेकंड्स में किया था। बारी आई है उमेर के खेलने की चैंपियंस के लिए। रेडी गो। उड़ती हो कहीं जुगनू के बैठी हो तितली कहीं। और 12 सेकंड में कर दिया उमेर ने, 12 सेकंड में कर दिया उमेर ने। 2 पॉइंट जाएंगे चैंपियंस के साथ, 1 पॉइंट जाएगा इंस्टाग्रामर्स के साथ। हो जाए टो। दिखाओ पहला मुकाबला किन दो टीम्स के दरमियान है, जल्दी से दिखाइएगा। इसके बाद अभी लोग जाओ ना ये गेम खेलो ना। आइए जी, सबसे पहला मुकाबला है टीम इंस्टाग्रामर्स वर्सेस चैंपियंस, जल्दी से आओ। चैंपियंस वर्सेस इंस्टाग्रामर्स, कल किसने खेला था, आज आपकी बारी है खेलने की। टॉस लाओ भाई, जिस जिस प्लेयर ने कल खेला था वो ये गेम नहीं खेलेगा। कल किसने खेला था ये बोलो। टेल्स, टॉस हार गए आप लोग। रेडी, 40 सेकंड्स गाइस, टाइम नहीं है। रेडी, टाइमर दो गो। टाइम अप, जीता हुआ हार गए तुम। 2 सेकंड्स तुमने सोचने में लगा दिया, वो जीत गए, बाहर हो गए इंस्टाग्रामर्स, चैंपियंस फाइनल में आ गए। रुक गया था तुम हाथ में लेके, देख रहे हो तुम्हें कहाँ रखना है। हाँ तो वो तुम्हारी गलती है टीम की भाई, इंस्टाग्रामर्स बाहर हो गए चैंपियंस फाइनल में। मुकाबला है यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स। रेडी गो। दिल का करा तुम ही हो, ये तुमसे ये कहना था, हाँ तुमसे कहना था। करा दिल का करा तुम ही हो, ये तुमसे ये कहना था, हाँ तुमसे कहना था। आखिरी 12 सेकंड। टाइम अप, टिकटॉकर्स बाहर हो गया। चलो भाई जल्दी से आ जाओ, चैंपियंस वर्सेस यूट्यूबर्स फाइनल है। टॉस बोलो, जल्दी बोलो। टेल्स, आप लोग टॉस जीत गए। 40 सेकंड ने जो जीता 2 पॉइंट्स के, जो हारा उसका 1 पॉइंट। रेडी गो। अपनी आंखों में सपनों में नींदों ख्यालों में में नीलों गया लो
पॉइंट जाएंगे यूट्यूबर्स के साथ, एक पॉइंट जाएगा चैंपियंस के साथ। मुझे अभी तक का स्कोर कार्ड दिखाइएगा। दो आवर्स के खिताब पे कौन सी टीम सबसे आगे और कौन सी टीम है सबसे पीछे, मुझे पॉइंट्स टेबल दिखाइएगा। चैंपियंस जीते एक पॉइंट, दो पॉइंट जीते यूट्यूबर्स। पांच पे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स तीन पे, सात पे इंस्टाग्रामर्स और सात पे चैंपियंस, दोनों बराबर हैं। मैं जा रहा हूं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आता हूं, कहीं मत जाइएगा। गेम शो हमारा सिंगिंग कंपटीशन। हाँ भाई, कोई गाना सुनाएगा? सिंगर्स हैं यहाँ पे कोई? आइए आप आइए। एक और कौन आएगा जिन्हें थोड़ा बहुत गाना आता हो? आप आइए। दो आपने यहाँ बैठ जाए, बाजू की आप आओ। कैप वाला भाई, तीन हो गए, एक और आप भी आ चुकी। गाना जो थोड़ा बेहतर गाता हो आप गाते हो, आ जाओ। चलो टाइम स्टार की तरफ से होम अप्लायंसेस जाएंगे विनर के साथ। सबसे पहले आप आइए, गाना बताइए कौन सा सुनाएंगे। यहाँ से आइएगा बेटा, जल्दी आओ। माइक लाइएगा जल्दी से भाई के लिए। माइक 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 जल्दी से। पाकिस्तानी गाने गाने हैं, माइक दे दिया जी। कौन सा गाना गाएंगे? कभी तो नजर मिलाओ। रेडी गो। कभी तो नजर मिलाओ। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। जो नहीं कहा है अभी वो समझ भी जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे। क्या बोलो? अच्छा बोलो बोलो क्या देखा? आगे आओ बेटे, रेडी गो। बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तूने मेरे में, क्या देखा? वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा? भाई चारों डिसाइड करेंगे आप, बताइए भाई कि इनमें सबसे बेहतर कौन है। आइएगा एनएक्स की तरफ से होम अप्लायंसेस किसके साथ जाने वाले हैं जी, कौन बेहतर है सबसे ज्यादा? दानिश भाई, जो गाना मुश्किल था वो जो भाई ने गाया जी, वो इन्होंने कभी कभी जो गाना गाया था वो दो सिंगर्स ने गाया। आपके हिसाब से कौन ज्यादा बेहतर था जी? एक तो ये एक बच्ची ने गाया, बच्ची ने गाया तो अच्छा। सबकी राय जो है वो इनके लिए है, भाई के लिए जो कैप पहने हुए, जो कैप पहने हुए इन्होंने मुश्किल गाना। एनएक्स की तरफ से अप्लायंसेस जाएंगे भाई के साथ। अच्छा टाइम स्टार की तरफ से पहले बहुत सारी तालियां होनी चाहिए भाई के लिए, भाई बहुत अच्छा गाना सुनाया इन्होंने। साथ देकर आओ जल्दी से, जाओ बेटे छोड़ कर आओ जल्दी से। काशिफ, काशिफ कहाँ गया? हमारा काशिफ कहाँ है? मिट्टू उड़ गया, कहाँ उड़ गया? अदरक के पास है। सबसे पहले गाना सुनाने के लिए आएंगे इंस्टाग्रामर्स, जल्दी से आ जाओ। दूसरे नंबर पे होंगे टीम यूट्यूबर्स, तीसरे नंबर पे आएंगे टीम टिकटॉकर्स और आखिर में होंगे चैंपियंस। आ जाओ इंस्टाग्रामर्स, गाना कौन सा है? हेलो ओ सनमा, सलमा ओ सनमा, ओ सनमा। आ जाओ रेडी गो। ओ सनमा सनमा
sanama ho sanama ho sanama 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 ho sanama ab meri tanhai hai asan ho sanama 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 ho sanama ho sanama 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 ab meri tanhai hai asan कौन है नेक्स्ट राजा भाई आए हाय आए ये कैसा गाना गाया इन लोगों ने जानू सुन जरा जानू सुन जरा आ जाओ बेटे यहाँ जरा रेडी गो जानू सुन जरा कौन सा गाना है जिया ना जाए जिया ना जाए गो इजाजत आ जाओ गो शाबाश हेलो हेलो सही है सर
फिर इसके हिसाब से म्यूजिक हो सकता है एडजस्ट। मैं चाहता हूं इसको एक दफा चांस दिया जाए। मसरूर तुम स्टार्ट करो, म्यूजिक वो लोग कर लेंगे। स्टार्ट करो, रेडी गो, गाओ मसरूर, तुम शुरू करो, तुम शुरू करो। वे जान वाले आ आज छड़ के ना जावी, जिथे वादे सारे वो तोड़ निभावी, बताएगी मेरी टीम खास तौर पर फैसल के दो पॉइंट्स का हकदार कौन है और एक पॉइंट जाएगा किस टीम के साथ, बताइएगा। दानिश भाई जो सबसे पहले गाया था वो मेरे ख्याल से टिकटॉकर्स ने मेरे ख्याल से गाया था पहले। जी टिकटॉकर्स ने, हाँ इन लोगों ने बेहतर गाया है ओवरऑल, इनकी कम हुई है एज ए टीम, इनकी गलतियां कम है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यूट्यूबर्स में अब्दुल्ला ने और अब्दुल्ला ने, हाँ बेहतर गाया है और इन दोनों ने भी बहुत बेहतर गाया, दोनों ने बेहतर गाया। तो ये ही दो टीम्स हैं, बाकी तो किसी ने भी इस तरह से तरीके से गाया नहीं। इनमें दोनों टीम्स ने बेहतर गाया हुआ, इनके अंदर चैंपियंस दोनों ने बिल्कुल सुर से बाहर गाया, इन दोनों ने भी सुर से बाहर ही बिल्कुल गाया, बिल्कुल बाहर था, बिल्कुल स्केल में नहीं थे दोनों ही, दोनों स्केल में जी हाँ चैंपियंस। दो पॉइंट जाएंगे टिकटॉकर्स के साथ, दो पॉइंट जाएंगे यूट्यूबर्स के साथ, हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लो द कप, नहीं नहीं सबसे पहले खेलने के लिए आएंगे टिकटॉकर्स, सेकंड होंगे टीम इंस्टाग्रामर्स, थर्ड होंगे यूट्यूबर्स और फोर्थ होंगे चैंपियंस। जल्दी से आ जाओ, कल कौन खेला था ये गेम? बजाज जी और सरनाब खेलेंगे, आइए जल्दी से। पहली बारी किसकी है? टिकटॉकर्स की है। आ जाओ जल्दी से, कप्स लेकर आइए जल्दी से गाइस, जल्दी से कप्स लेकर आओ, स्ट्रॉज लेकर आओ। चलो रेडी, चेक कर लो भाई, पहले चेक कर लो जैदी, ये क्या बगैर रखे फूंक मारो, 40 सेकंड्स पीछे करो, कब पीछे करो, मिडिल में रखना, रेडी गो। नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया।
टाइमर दिखाओ मुझे, जीरो से पहले सातवां स्कोर हुआ है यानी छह स्कोर तो कर दिया उन्होंने, मुझे रिप्ले दिखाइएगा सेवंथ स्कोर के लिए कि वो जीरो से पहले हुआ है या नहीं। नेक्स्ट कौन है, सेकंड कौन था, जल्दी जगह पे आओ। कल किसने खेला था तुम्हारे यहाँ, चलो रिप्ले दिखाइएगा मुझे, आखिरी एक सेकंड दिखा दीजिएगा सर। अब जीरो हो गया ये और अब आगे गया, सही है, छह स्कोर किया तुम लोगों ने, छह स्कोर किया है टीम टिकटॉकर से। कब रखो यहां पे, बारी आई इंस्टाग्रामर से खेलने की, रेडी गो। क्या है टीम इंस्टाग्रामर्स ने, बुरा खेल कर गए हो तुम लोग, ये बारी आई है टीम यूट्यूबर से खेलने की, तुम लोग का सुनहरी मौका है जीतने का, छह स्कोर करना है दो पॉइंट जीतने के लिए, रेडी गो अब्दुल्ला। खेलते हो तुम लोग सब, तीन स्कोर किया यूट्यूबर्स ने सिर्फ, चैंपियंस चार स्कोर करोगे तो एक पॉइंट है और छह पे दो पॉइंट्स है। कल तुमने खेला था कल, रेडी गोमर। शाबाश 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 शाबाश, कम ऑन चैंपियंस, आराम से चलो चलो मैं टाइम में बहुत हो जाएगी चेस। चलो 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 वेट, चलो जल्दी पांच स्कोर किया है, इसका मतलब है दो पॉइंट जाएंगे टिकटॉकर्स के साथ, एक पॉइंट जाएगा चैंपियंस के साथ, हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास कारवान इस्लामी की तरफ से उमरे का टिकट, अपने अपने कूपन्स निकालिएगा, मैं तीन खुश नसीब लोगों को यहां बुलाऊंगा, क्वेश्चन आंसर होंगे, जो सही जवाब देगा उमरे का टिकट जाएगा उसके साथ, अपने अपने कूपन्स निकालिए जल्दी से लेकर आइएगा यार, चलो 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 चलो, इसके बाद हेडफोन वाला गिफ्ट फिल्म को रेडी करो। अच्छा जी, आज के पहले खुश नसीब अब्दुल राफे, निदा नासिर नाम है, जीएस 41396, निदा नासिर कौन है आप, है कोई भी फैमिली से एक आ सकता है। अच्छा जी, आज के दूसरे खुश नसीब जीएस 41359 का नाम नहीं लिखा हुआ है, 41359 कौन है आप लोगों में, जीएस 41359 कोई है आप, है चेक करो जाके। अच्छा जी, आज के आखिरी खुश नसीब हीरा 42003, हीरा कौन है आप लोगों में, 42003 42003 आप है, आइए जल्दी से चेक करो जाके, जल्दी 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 से आइएगा, कोई भी फैमिली से एक मेंबर आ सकता है, जल्दी से आइएगा। कारवानों का कारवान, कारवान इस्लामी की तरफ से उमरे का टिकट है जो आप में से किसी एक के साथ जाएगा, जल्दी से आइएगा, कोई भी एक आ जाए।
जल्दी से आइएगा प्लीज। कारवान इस्लामी की तरफ से ये उम्रे का टिकट है जो आप में से किसी एक के साथ जाएगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन करूंगा, जिसे भी जवाब आता होगा वो फौरन से माइक उठा के जवाब नहीं देगा, पहले हाथ उठाएगा। जो पहले हाथ उठाएगा जवाब भी वही देगा, इसलिए आपने फोकस करके रखना है कि पहले हाथ उठाना है अगर जवाब आता है तो। अस्सलाम वालेकुम जी, अगर मैं आपसे सवाल करूंगा आपको अगर जवाब आता होगा आपने पहले हाथ उठाना है, माइक में फौरन से जवाब नहीं देना है। जो पहले हाथ उठाएगा जवाब उसी का सही तस्लीम किया जाएगा। नमाज में सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है, माइक में बोलिए। सुन्नत, नमाज है ना जी, सुन्नत जी, सना, उससे पहले क्या पढ़ा जाता है, नियत बांधते हैं, नियत सबसे पहले सना ही पढ़ते हैं ना, नियत से पहले, नियत से पहले सना पढ़ते हैं, नियत के बाद सना पढ़ते हैं, तो नियत करते हैं ना। वैसे नमाज के अंदर यहाँ मेरे ख्याल से गलत दिखा, बस सबसे पहली चीज जो होती है वो सना ही होती है, तो ये जवाब टेक्निकली बिल्कुल सही है, पहला जवाब का सही हो गया, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए क्योंकि नमाज में नियत आप नमाज से पहले कर रहे होते हैं तो वो नमाज में सबसे पहले सना होती है। अच्छा जी, हय्याल अल फलाह का क्या मतलब है, नमाज में होता है हय्याल अल फलाह, माइक उठा जी आप, हाल का है, आओ भलाई की तरफ, आओ भलाई की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मेरी बहन के लिए। वन वन, कारवाने इस्लामी की तरफ से उम्रे का टिकट है वो आप तीनों में से किसी एक के साथ जाएगा। अगर आप दोनों में से किसी ने इसका जवाब दिया तो आप जीत जाएंगे, अगर आपने दिया तो मैं फर्दर खेलूंगा। सवाल नंबर तीन, रहमतुल्लिल आलमीन किस पैगंबर का लकब है, माइक में बोले, आपने हाथ उठाया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल सही जवाब। आइए, कारवाने इस्लामी की तरफ से उम्रे का टिकट जाएगा आपके साथ। पाकिस्तानियों एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग पहले। कारवानों का कारवान, कारवान इस्लामी की तरफ से उम्रे का टिकट जीता है आपने, बहुत बहुत मुबारक, जाते वक्त अपना टिकट लेके जाइएगा, मैं एंड में आपका पिक्चर भी लूंगा, ऑटोग्राफ भी दूंगा। आओ भाई, नेक्स्ट गेम हेडफोन वाला गेम है, मुझे दो तीन कपल्स चाहिए, कपल्स चाहिए तीन। चैनवन की तरफ से गिफ्ट पैकेज दूंगा, कौन आएगा, चैनवन चेंजिंग लाइफ स्टाइल, आप किन के साथ है, पीछे आ जाओ दोनों, एक कपल ही हो गया, आप किन के साथ है, आप किन, आ जाओ वो सबसे पीछे ग्रीन शर्ट, आ जाओ ग्रीन शर्ट, चलो भाई जल्दी 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 आइएगा, जल्दी से आइएगा, आप किन के साथ हैं, पहले पूछो किन के साथ हैं, आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, उनको बुलाया मैंने, ये लोग हैं और वो हैं, इसके बाद वाले गेम में बुला लूंगा आपको, जल्दी से आइएगा, इनके साथ कौन है, आपके साथ कौन है, कोई भी एक, कोई भी फैमिली मेंबर में से कोई भी आ जाए एक। अच्छा जी आइए, आप सबसे पहले आप आइए, आप आइए, आप आइए, हेडफोन्स लगे हुए होंगे, आवाज नहीं आ रही होगी आपको, ये आपको समझाएंगी, इशारा करके भी समझा सकती हैं। अच्छा, फिर कोई और आ जाए, किसी और को भेज दो, कौन आएगा इनके साथ, आपके साथ कौन आया, आप लेकर आइए जल्दी से, आप आइए, नेक्स्ट आइए जल्दी से, आपने समझाना है, आपको लिप्स रीड करने हैं या फिर ये इशारे करके बताएंगी, उससे समझना है कि मैं क्या पूछ रहा हूं, क्योंकि म्यूजिक चल रहा होगा इनकी आवाज नहीं आएगी आपको, चलाइए म्यूजिक, लाओ भाई रेडी आप, रेडी, आलू वाला समोसा, रेडी गो, आलू वाला, आलू वाला समोसा, आलू वाला समोसा, बिल्कुल सही, छह सेकंड में पूछ लिया, आलू वाला समोसा, आप दोनों आइए, नहीं आप लोग नहीं, इसके बाद वाले गेम में बुलाऊंगा फिर आप लोग, तीन लोग थे सिर्फ, इसके बाद वाले गेम, जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए, लगाओ भाई जल्दी से म्यूजिक, रेडी हो, रेडी, हाथी की सूंड, रेडी, पीछे आप, पीछे पीछे पीछे, रेडी गो, ऐसे ही पकड़ लेता है भाई, ये क्या है, हाथ, आ हा हा हा, ये मेरा हाथ है, हाथी की सूंड, ये ढाई किलो का हाथ है, हाथी की सूंड, हाथी की सूंड, आधी चूड़ी,
आधी चूड़ी क्या होती है? ये आधी चूड़ी कहाँ दी है इसने भाई? किसे गिफ्ट कर दी आधी चूड़ी? सूंड, सूंड, नाक, हाथी की सूंड। इसने किसी ऐसे हाथी को देखा जो ये है। आदित्य जी आपकी बारी आ गई है। रेडी? गुलाब की खुशबू। रेडी गो। गुलाब की खुशबू, फूल। गुलाब, 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 गुलाब का फूल। खुशबू, खुशबू, गुलाब का फूल सुनो। गुलाब की खुशबू, गुलाब, 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 खुशबू, गुलाब को चूमो। गुलाब की खुशबू, हाँ, गुलाब को चूमो। बहुत साला। अच्छा जी, नहीं, 6 सेकंड में पूछ लिया आप लोगों ने। दोनों आइए, चैन वन की तरफ से ये गिफ्ट बैग जाएंगे दोनों के साथ। बहुत सारी ताली होनी चाहिए भाई पहले इन दोनों के लिए। चलो भाई, चैन वन चेंजिंग लाइफस्टाइल, नेक्स्ट क्या है? हाँ हाँ, फ्रिस्बी लेकर आओ। फ्रिस्बी वाला गेम, फ्रिस्बी वाला गेम, जल्दी से पहले लूट लो, ले आओ जल्दी से। जब तक फ्रिस्बी लेकर आ रहे हैं आप लोग, रेडी करो गेम, जगह पे बैठे रहेंगे आप लोग, आप लोगों के लिए लूट लो। एसपीजी की तरफ से जीत जाए। बॉडी सोल की तरफ से एक एग्जांपल है। बॉडी सोल हमारा रिफ्रेशिंग पार्टनर है, दिल बोला पाकोला। दिल बोला पाकोला, दिल बोला पाकोला। चलिए नेक्स्ट क्या है? अच्छा, विंटरलैंड की तरफ से आप सबको फ्री पैसेज दिए गए हैं। किस किस को मिल गए? अच्छा, जिन लोगों को नहीं मिले वो शो के इख्तिताम पर भी मिल जाएंगे आप लोगों को। जाइए अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय कीजिए। विंटरलैंड पाकिस्तान फर्स्ट इंडोर आइस पार्क। अच्छा जी, नेक्स्ट है फ्रिस्बी वाला गेम। चैंपियन सबसे पहले, इंस्टाग्रामर्स दूसरे नंबर पे, थर्ड यूट्यूबर्स और आखिर में आएंगे टिकटॉकर्स। ऐसे घुमाओ मेरी तरफ, सही है, आ जाओ भाई। कल किसने खेला था? कल उमेर ने खेला था। रेडी, 40 सेकंड है तुम लोगों के पास, टाइमर दीजिएगा। रेडी गो। एक चलो फेंको, एक स्कोर किया चैंपियंस ने। आ जाओ भाई, नेक्स्ट कौन है? सेकंड कौन था? इंस्टाग्रामर्स, कल इमरान खेला था और आज बारी है जैन की। रेडी शादा, टाइमर रेडी गो।
दो स्कोर किया है, इंस्टाग्रामर्स ने दो स्कोर किया है। बारी आ गई टीम यूट्यूबर से खेलने की, कल अब्दुल्ला ने खेला था, चलो आज बारी सामा की। रेडी फ्रिस्बीज लाओ जल्दी से, रेडी गो। ऊपर फेंको ऊपर, बच गया एक, अभी यहां फेंको, दो टाइम आप दो स्कोर कर दिया तुमने। हाँ हाँ पीछे आ गया था ये, दो स्कोर किया है यूट्यूबर्स ने, दो स्कोर किया इंस्टाग्रामर्स ने, एक स्कोर किया है टीम चैंपियंस ने। बारी आई है ये हम नहीं जानते, ये हमारा काम नहीं है। रेडी गो, कोई स्कोर नहीं किया टिकटॉकर्स ने, मुझे एक स्कोर करना है सिर्फ जीतने के लिए। चलो भाई आओ जल्दी से, बहुत सारे स्कोर कर दिए भाई। रेडी जगह हट जाओ, रेडी गो शादाब। ज्यादा हो गया, अरे नॉक नॉक दो पॉइंट जाएंगे, क्या बात है शताब सही खिलाती है असल में। दो पॉइंट जीते यूट्यूबर्स ने, दो पॉइंट जीते इंस्टाग्रामर्स ने, और एक पॉइंट जाएगा चैंपियंस के साथ हो जाए। क्या देना उस पे? अरे यार दे दिया ना, चलो भाई रिंग निकालने वाला गेम। बारी किसकी, एक लड़के खेले थे आज लड़कियां खेलेंगी, दोनों लड़कियों में से कोई एक आ जाए जल्दी से। एक मिनट, पिछले वीक कौन सी लड़की खेली थी? पिछले वीक खेला ही नहीं था लड़कियों ने, है? आज लड़कियां खेलेंगी आज। सबसे पहला मुकाबला टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स, आओ जल्दी से यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स, कौन खेलेगा लड़कियों में से? जरनाब आओ जल्दी से, यूट्यूबर से कौन आ रहा है? फजीला आ रही है, चलो भाई जल्दी से आ जाओ जगह पे आओ। अच्छा जनाब तुमने लेफ्ट फेंकना है और क्लियरली बाहर फेंकना, फजीला तुमने राइट फेंकना है क्लियरली बाहर फेंकना, गो। रिप्ले दिखाओ, मेरे ख्याल से जरनाब ने पहला रिंग जो है वो नीचे रखा ही नहीं, वो हाथ में पकड़ा हुआ था। रिप्ले दिखाओ, रिप्ले दिखाओ, रिप्ले दिखाइएगा, रिप्ले दिखाइएगा मुझे, जहां पर रिंग पे स्टार्ट किया जरनाब ने वो दिखाना पड़ा, सिर्फ वही दिखाना जहां ये रिंग निकाल रही है ना रखने के बाद, वो दिखा दो। दूसरा मुकाबला टीम इंस्टाग्रामर्स वर्सेस चैंपियंस, दिखाइएगा जी दिखाइएगा,
जरनाब बाहर हो गए आप। हाँ के पहला तुमने निकाला नहीं? नहीं नहीं, नीचे रखना होता है। क्यों क्या मैं बता रहा हूँ, इससे पहले एक दफा ये हो चुका है। मुझे नहीं पता कि तुमसे मुझसे कैसे मिस हो गया अगर तुम ऐसे खेलती आ रही हो मेरी टीम से, लेकिन एक बार मुझे याद है या तो शेज ने गलती की थी या किसी और ने। शेज तो खेला ही नहीं तुमने कहा। दानिश भाई लेकिन रखना जरूरी होता है। मैं आपको एक बात ये बता रही हूँ कि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। जो शैज़ भाई का मसला था वो ये था, अब से ऑनवर्ड ऐसे ही होगा। मुझे पता, फिर दोबारा खेल लेते हैं, मुझे पता ही नहीं था ना, मैंने तो शुरू से ऐसे खेलती हूं। अच्छा एक चीज है बता दूं, देखो तुम्हें पता है मैं जाके शोज देख लेता हूं। जी मैं आपको अभी यार क्या इसने खेला ही ऐसा है कि हमेशा ये रिंग जो है ये नीचे नहीं रखती, ऐसी खेलती है। दोबारा खेला जाएगा, आओ जल्दी से। आज बता रहा हूँ रिंग पूरा नीचे रखना है तुम लोगों ने, उसके बाद उठाना है। गाइस ये निकाल, एक चीज निकाल लेना जरा इसकी, देखो टिकटॉकर्स की। चलो आओ जल्दी से, साइड पर आ जाओ। रेडी गो। टिकटॉकर्स फाइनल में, यूट्यूबर्स बाहर हो गए, बारी आई है इंस्टाग्रामर्स वर्सेस चैंपियन। जल्दी से आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। चैंपियंस वर्सेस जगह लाओ भाई, टॉस टॉस। एक तो चैंपियंस और मेरे वॉलंटियर्स खड़े होते हैं लगता है पूरे एक ही टीम में। लाओ भाई टॉस जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बोलो। हाँ चांदी आया, आप टॉस जीत गए। चलिए जी शाहताज तुमने लेफ्ट फेंकना है, तुमने राइट फेंकना है, रिंग्स को पूरा रखना है, उसके बाद निकालना है, रिंग्स को पहले ना निकालना। गो। इंस्टाग्रामर्स फाइनल में चैंपियंस बाहर हो गए, इंस्टाग्रामर्स फाइनल में आ गए। आओ जी मुकाबला है टीम टिकटॉकर्स के साथ। चलो 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 टॉस करना है आप लोगों ने। नहीं वो उन्होंने भी यहीं खेलना होगा ना, शाहताज जहाँ खेलोगे वहाँ खेलना है। चलो आओ जल्दी से आ जाओ, सीधा करो सीधा करो सीधा करो, चेयर सीधा करो। बॉल 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 बॉल। चलो रेडी गाइस। जो टीम जीती उसका दो पॉइंट्स, जो टीम हारी उसका एक पॉइंट। चलो साइड बैठ जाओ बाकी सारे लोग। गो। एक रिंग रहेगा कि उसका एक फंस गया था रिंग। दो पॉइंट जाएंगे टिकटॉकर्स के साथ, एक पॉइंट जाएगा इंस्टाग्रामर्स के साथ, हो जाए। रिंग्स ऑन पोल, जल्दी से आ जाओ चारों टीम्स। सबसे पहले खेलने के लिए जो टीम आएगी वो टीम है यूट्यूबर्स की, सेकंड होंगे टीम इंस्टाग्रामर्स, थर्ड होंगे चैंपियंस, आखिर में आएंगे टिकटॉकर्स। कल जो टीम खेल अभी तक रखा नहीं हमने, नाम नहीं रखा हमने। चलो थोड़ा लेफ्ट पे करो, थोड़ा लेफ्ट पे करो और लेफ्ट पे करो, करीब लाओ बस। नहीं थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे करो, वाइट पे बराबर करो बस। चलो भाई पहली बारी किसकी है, कल कौन खेला था, आज तुम दोनों की बारी है। जल्दी से आओ ना रिंग में आओ, 40 सेकंड्स। रेडी गो। एक we
क्या टीम यूट्यूबर्स है। नेक्स्ट कौन है? इंस्टाग्रामर आ जाओ। कल कौन खेला था? शाहताज खेली थी, आज बारी है इमरान और कशफ के खेलने की। चलो 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 चलो, रेडी गाइस, रेडी भाई, गो के बाद रेडी गो। चार स्कोर किया है इंस्टाग्रामर्स ने। कौन है नेक्स्ट? चैंपियंस की बारी है, जल्दी से आ जाओ। कम ऑन चैंपियंस, कल कौन खेला था? आज बारी है उमर की। उमर, 5-6 स्कोर करना है तुम्हें 2 पॉइंट जीतने के लिए। रेडी गो चैंपियंस। आप 2 स्कोर किया है टीम चैंपियंस ने। अच्छा, तुम लोगों ने कितना किया होता? 3 यूट्यूबर्स हैं और 4 इंस्टाग्रामर सबसे आगे, आप लोग बाहर हो गए। चैंपियंस बारी है टिकटॉकर्स की, रेडी गो। टिकटॉकर्स ने भी, बारी मेरी है, जल्दी आ जाओ। 2 पॉइंट्स जाएंगे इंस्टाग्रामर्स के साथ और 1 पॉइंट जाएगा टीम यूट्यूबर्स के साथ। चलो भाई, रेडी गो। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अरे कैसे हुआ आज? कितना स्कोर किया? 4? फिर भी मैं ही जीता, फिर मैं ही जीता। 4 हुए ना, 4 पे जीत गया ना मैं। 2 पॉइंट जाएंगे इंस्टाग्रामर्स के साथ और 1 पॉइंट जाएगा यूट्यूबर्स के साथ। हो जाए हिट 10 स्नोमैन के साथ खेला जाएगा। सबसे पहले खेलने के लिए जो टीम आएगी वो टीम है टिकटॉकर्स की, सेकंड है यूट्यूबर्स, थर्ड चैंपियन और आखिर में इंस्टाग्रामर जाएंगे। जल्दी जाओ। कल कौन खेला था? यहां कौन खेला था? यहां लड़का खेलेगा, वहां लड़की खेलेगी, दूसरा वाला कपल, कपल चेंज होगा। कल कौन खेला था यहां पे? तुम लोग खेले थे, आज तुम लोगों की बारी है। हाँ चेंज हो गया, यह सब चेंज हो गया। एक मिनट रुक जाओ, मुझे जरा बनाने दो। चलो 40 सेकंड है तुम्हारे पास। अरे भाई सामान तो ले आओ वहां पे।
पोडियम का है छोटा वाला, जल्दी 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 गाइस कम ऑन, 40 सेकंड है तुम लोगों के पास। हाँ हाँ वो बेसबॉल का बैट तो लेकर आओ, रेडी रहना, थोड़ा आगे ही रहना, रेडी गो जैसी। जैसी ने टिकटॉकर्स बाहर हो गए, बारी आई है टीम किसकी बारी, सेकंड कौन था, सेकंड कौन, यूट्यूबर से जल्दी से आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बस एक्टिंग सेगमेंट रह गया है, रेडी, अरे इतनी सारी बॉल्स हैं और कितनी चाहिए, रेडी गो, हो गया, एक दो तीन जाओ 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 गया, एक दो तीन चार जाओ, गो, एक दो स्कोर किया है, तीन स्कोर किया और एक चक्कर लिया, दो स्कोर पूरा किया है, तीसरा तुमने यहां स्कोर किया है स्नोमैन पे और यहां एक चक्कर लिया है, बारी आई है चैंपियंस खेलने की, गाइस गाइस यहां से थोड़ा दूर कश्यप, यहां से दूर, रेडी उमर, रेडी हो मुस्कान, थोड़ा आगे रहना उससे ना टकराना, आगे हो उस मुस्कान, आगे बस, रेडी गो, लो खेलो उमर, फेस देख रहे हो, एक स्कोर तो करो, हो गया चैंपियंस ने कोई स्कोर नहीं किया, चैंपियंस ही बात, इंस्टाग्रामर्स अगर एक भी स्कोर करते हो तो एक पॉइंट जीतोगे, तीन स्कोर करोगे तो दो पॉइंट जीतोगे, बॉस लेकर आओ जल्दी से, चलो 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 बॉस बॉस बॉस, रेडी गो, पर फेंको, एक स्कोर करना है तुम्हें, एक हो गया, एक दो तीन चार जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, दो पॉइंट जाएंगे टीम यूट्यूबर्स के साथ और एक पॉइंट जाएगा टीम इंस्टाग्रामर्स के साथ, हो जाए भाई, नेक्स्ट गेम है, एक्टिंग सेगमेंट है नेक्स्ट, जल्दी से आ जाओ। अच्छा ये तुम लोग जो दिखा रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ वो कई एक बार ऐसा होगा, वो तुम्हारा क्लिप निकाल के ले आए बाय द वे, इसमें तुमने रिंग सारे रखे हैं और तुम निकाल रहे हो,
अच्छा खैर आज से ऑनवर्ड मैंने बता दिया कि क्या होगा। चलो आओ नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट। सबसे पहले चैंपियंस आएंगे एक्टिंग के लिए, दूसरे नंबर पे आएंगे यूट्यूबर्स, तीसरे नंबर पे होंगे टिकटॉकर्स और आखिर में आएंगे इंस्टाग्रामर्स। लो चैंपियंस पहले सिचुएशन को गौर से सुनना। एक मकान में दो किरायेदार आए हैं, एक फैमिली को शोर शराबा बहुत पसंद है और दूसरी फैमिली इसके बिल्कुल बरक्स है यानी उसको नहीं पसंद। मियां बीवी सुबह 5 बजे परिंदे और कबूतर उड़ाना शुरू कर देंगे, दूसरी फैमिली शोर से उठ जाएगी। ये क्या तरीका है, तुम भी किराया देते हो, ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं तो कबूतर उड़ाऊंगी और रोजाना उड़ाऊंगी, झगड़ा हो गया है। एक मतलब समझो कि एक फ्लोर है तो आधा आधा लिया हुआ है आप लोगों ने, तो आधी जो फैमिली जहां पर रहती है उसको शोर गुल बहुत पसंद है और दूसरी फैमिली थोड़ा शोर शराबे को पसंद नहीं करती, वो खामोश रहने वाले लोग हैं। तो ये 5 बजे उठ के इन्होंने कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए जोर जोर से, वो लोग इनके शोर से उठ जाएंगे, वो मना करेंगे कि तुम लोग कहोगे नहीं हम तो करेंगे ही और आपस में झगड़ा हो जाएगा। चलो 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 1 मिनट है तुम लोगों के पास, रेडी। शोर करने वाली फैमिली कौन सी है, रेडी गो। अच्छा भाई बेगम जल्दी सोना है, सुबह ऑफिस के लिए जाना है मुझे, प्लीज ये लाइट वाइट बंद कर दो यार। यार सुबह के 5 बज रहे हैं यार, कबूतर का शौक तो कैसा है यार, बहुत मजा आएगा, चलो चलते हैं कबूतर उड़ाने छत पे। यहाँ से आ रही है, उठो घर जाके इनको बोलो रोज तीन आराम क्या होता है, तुम्हारी तरह चल रहा है खटखट हमारी मर्जी, हम जो करे तुम होते हो कौन, घर तुम्हारे बाप का नहीं है, थप्पड़ कैसे मारा ऐसे, टाइम अप टाइम अप, अरे बस टाइम अप। नेक्स्ट कौन है, यूट्यूबर्स लड़का बाइक चलाते हुए किसी कुत्ते से टकरा गया है। अच्छा कुत्ता इमेजिन करना है तुमने, लड़का बच गया है मगर कुत्ता मर गया है। लड़का रोड पर पड़ा है, मदद के लिए पुकार रहा है मगर कोई नहीं है। कुछ ही देर में उसके दोस्त वहां पर पहुंचेंगे, दोस्त को उठाने के बजाय इसका मजाक बनाएंगे, कुत्ता मर गया लेकिन तू बच गया। आखिर में लड़का मर जाएगा, दोस्त तुम मर नहीं सकते, अब फिर तुम सीरियस हो जाओगे। दोनों देखो टकराया, एक्सीडेंट हुआ, बाइक पे जा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ। इनफैक्ट कुत्ते को छोड़ दो, कुत्ता अगर टकराया भी है ना, कुत्ता निकल गया भाग गया, जो दोस्त है ना वो गिर पड़ा है, वो तकलीफ में है। नहीं कुत्ते का फिर माँ होना जरूरी है ताकि तुम लोग की सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। मरा हुआ पड़ा हुआ है, तुम उसको बचाने के चक्कर में इतनी देर में दोस्त आए, वो पहले मजाक उड़ाएंगे, जितनी देर में वो मजाक उड़ाएंगे उतनी देर में जो तुम्हारा दोस्त है ना वो एक्सपायर हो जाएगा। चलो चलिए भाई 1 मिनट है पूरा तुम लोगों के पास, सिचुएशन पूरी कर लेना, जल्दी से आ जाओ, रेडी जल्दी आओ। दोस्त कौन है जो बाइक पर आ रहा है, वो बाइक पर आ रहा है, रेडी कुत्ता इमेजिन करना है, रेडी गो। ओके अम्मी दही लेके आ रहा हूं मैं, अरे भाई बात सुनो मेरी, मैं ये बोल रहा था यार, वो उसामा ने कहा था कि मैं आऊंगा तो उसकी कॉल वॉल तो आ नहीं रही, हम लोग चल के देख रहे थे, क्या पता वो हमें रास्ते में वहीं मिल जाए। वो देखो उसामा, अरे कोई है, ये उसामा है, उसामा क्या हुआ, अब्दुल्ला भाई खड़ा, अबे क्या हो गया, एक मिनट रुक जा, हट तो जा, रुको यार, कैसा लग रहा है, क्या हुआ, अबे कुत्ता ठीक है, कुत्ता तो गया, अरे कुत्ता मर गया, तू कैसे बच गया, अबे 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 बात सुनो, ये लेटा हुआ है, दोनों भाई लग रहे हैं, अब्दुल्ला बाइक तो हटा, मेरी टांग मैंने स्टैंड पर लगा दी, मुझे लगा थी टांग गई। उसामा उसामा उसामा, तुम कैसे मर सकते हो, उसामा नहीं नहीं मरा नहीं है, मरा नहीं है, एक्टिंग कर रहा है। उसामा उसामा क्या हो गया, उसामा टाइम अप, उसामा टाइम अप टाइम अप। चलो भैया नेक्स्ट कौन है, क्या हुआ, अच्छा
रुखसती हो रही है, दूल्हा दुल्हन चलते हुए कार की तरफ जा रहे हैं, माँ बाप खुशी के आंसू रो रहे हैं, हमारी बेटी का ख्याल रखना, लाडली बेटी है, चांद का टुकड़ा है, माँ जी बाबा जी आप बेफिक्र हो जाएं। हर थोड़ी देर बाद माँ और बाप जोर जोर से रोने लग जाते हैं, आखिर में दूल्हा भी रोना शुरू कर देगा, आप लोगों को देखकर मुझे भी रोना आ गया। आ जाओ, उसको फनी बना सकते हो तुम। रुखसती हो रही है, सही है, लड़की को लेके जा रहे हैं, तो जो पेरेंट्स हैं ना वो बार बार रोते हैं और जो लड़का है ना वो उनको चुप कराता है, फिर जोर से रोना शुरू हो जाता है, फिर चुप कराता है। इस बार जब आखिर में जोर से रोना शुरू हुआ, वो खुद भी रोना शुरू हो गया, अरे भाई चुप कर जाए आप लोग, आपके साथ साथ मुझे भी रोना आ गया, जल्दी से आ जाओ। रुखसती किसकी हो रही है? लारे पुर दुआ, आ जाओ आप, आ जाए अंकल, आप माँ बाप है लड़की के, माँ बाप है आप दो, लड़की माइक दे दो भाई, रुखसती हो रही है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये बात शताज, रेडी गो। बस चले चले चले। अरे अंकल क्या हो गया? अंकल आपकी बेटी, फिकर मत करें। अरे अंकल मैं लाऊंगा ना इधर आपके घर पे, मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है। हाँ जी हाँ जी, मैंने बहुत लाडो प्यारों से इसको पाल के बड़ा किया, इसका ख्याल रखना बस। अबू नम्मी बस इंशाल्लाह, नहीं टेंशन आपका ही। अम्मी अबू आप फिकर मत करें। अरे इसकी हर को है ना, अबू अबू क्या हो गया? अरे शादी हुई है अम्मी, मैं लाऊंगा परसों ही लाऊंगा। चलो चलो इसको मैंने बहुत दो लड़कियां फिल्म की डायरेक्टर हैं, इनको फिल्म के लिए विलन चाहिए। विलन चाहिए, किस किस को चाहिए विलन? खून खार विलन, नहीं खून खार नहीं, जुनूनी विलन, जज्बाती विलन। दो लड़के ऑडिशन देने आए हैं, ये जुमला बोलकर दिखाओ, एक एक को पकड़ पकड़ कर चुन चुन कर मारेंगे। दोनों लड़कियों को इन दोनों की अदाकारी समझ में नहीं आएगी, आखिर में दोनों लड़के जुनूनी हो जाएंगे। दो लड़कियां हैं, डायरेक्टर हैं दोनों, सही है, वो ऑडिशन कर रही हैं अपनी फिल्म के विलन के लिए। उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, खून खार विलन, जुनूनी विलन, जज्बाती विलन होना चाहिए। दो लड़के आएंगे अपने हिसाब से ऑडिशन देंगे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये जो एक एक को पकड़ पकड़ कर चुन चुन कर मारेंगे, चलो आओ जल्दी से। रेडी गाइस, इंस्टाग्रामर्स, हेलो। दो लड़के ऑडिशन देने आए हैं, दोनों ऑडिशन देने आए हैं, रेडी शाताश, गो गाइस। शाताश तुम क्या चाहती हो, हमारे जो विलन है फिल्म का वो कैसा होना चाहिए? जुनूनी होना चाहिए ना, थोड़ा सा रोबदार होना चाहिए, पता चले विलन है। अरे भाई साहब पीछे जाओ पीछे, हमें विलन चाहिए, गुंडा नहीं चाहिए। यहाँ पे तो ऑडिशन हो रहे थे ना। बात सुनो चूहे, उधर जाके खड़े हो पहले। ये चूहा नहीं है, ये दो सफे वाली कॉपी है। मैं ऑडिशन ले रही हूँ ना, डायलॉग सुना है जो पहले से कर रहे हो? रुक जाना, जी जी मैं एक एक को घिसड़ घिसड़ के चुन चुन के मारेंगे। मैं बोलूंगा पहले मुझे बोलने दे। मैं बोलूंगा, खूनी की तरह खूनी एक्शन। एक एक को चुन चुन के घिसड़ घिसड़ के मारूंगा। साइड में मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। चुरू मैं इसको उसको सबको पकड़ पकड़ के घिसीट घिसीट के मारूंगा। मेरी बात सुनो, तुम चूहे मारो, चलो दोबारा बोलो। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, हमें पसंद नहीं आया, हमें पसंद नहीं आया। क्यों अबे यार ये क्या कर रहे हो? टाइम अप, आखिर में तुम लोगों को खून खार बन जाना था, गुस्सा आना था, है नहीं? बताइए भाई जल्दी से, बेहतर कौन है आप लोगों के हिसाब से? दानिश भाई दो टीम्स जो ज़्यादा बेहतर लगी है हमें, लेकिन सबसे बेस्ट जो लगी वो तो खैर टिकटॉकर लगी है, कि जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऐसे ही और यूट्यूबर्स ने भी बहुत अच्छी मेरे ख्याल से की है,
और उनकी तरफ से चैंपियंस की तरफ से थोड़ा सा एक दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे थे, तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ सही। तो इन्होंने भी मेरे ख्याल से शायद इन्होंने कंप्लीट नहीं की, पूरी नहीं की इंस्टाग्राम पर। तो हमारे हिसाब से तो खैर टिकटॉकर्स हैं। अच्छा, टिकटॉकर सबसे बेहतर थे। टिकटॉकर्स के पास जो सिचुएशन थी वो कॉमेडी सिचुएशन थी, तो तुम लोगों ने बड़े मज़े से किया, एक्टिंग भी बहुत मज़े की थी। लेकिन यूट्यूबर्स के पास जो एक्टिंग थी वो पूरी कहानी थी, एक छोटी सी, जिसमें एक्सीडेंट होना था, जिसमें उसने गिरना था, बुलाना था अपने दोस्तों को, दोस्तों ने आगे मजाक उड़ाना था और उसमें और मरना था, और फिर आखिर में इमोशंस चेंज होने थे। मेरे हिसाब से अदाकारी मुश्किल जो थी ना वो इनकी सिचुएशन में थी। तुम लोगों की सिचुएशन जो थी वो सीधी सीधी थी, लेकिन तुम लोगों ने बहुत मज़े से किया, वो ज़्यादा हमें फ़नी लगी है, इन्जॉय ज़्यादा लोगों ने तुम्हें किया होगा। लेकिन जहाँ अदाकारी की बात आएगी तो तुम दोनों बिल्कुल बराबर के थे। अच्छा, यहाँ पर चैंपियंस जो थे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम इस कदर कबूतर उड़ा रही थी कि दूसरे प्लेयर की आवाज़ ही नहीं आ पा रही थी। सिचुएशन पूरी तुम लोगों ने ज़रूर कर ली, लेकिन एक दूसरे को टाइम तो दिया करो कि यार 10 सेकंड्स तुम्हारे पास है, टाइमर देखते रहना, 10 सेकंड्स के बाद चुप हो जाना, अगर बात भी कर रहे हो ना तो ऐसे करो ताकि दूसरे प्लेयर को एक्टिंग करने का मौका मिले। क्योंकि जब चारों लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ में कुछ नहीं आता। ये मैं 10 मरतबा बोल चुका हूँ तुम लोगों को, और वही तुम लोगों के साथ भी हुआ है। 2 पॉइंट्स के हकदार हैं यूट्यूबर्स, 2 पॉइंट्स के हकदार हैं टिकटॉकर्स, और 1 पॉइंट जाएगा टीम चैंपियंस के साथ। हो जाए दिखाइए कि आज कौन सी टीम पहुंची है गेम चेंजर तक, और कौन सी टीम है जो गेम चेंजर से बाहर है, या फिर चारों टीम से नहीं, मुझे जरा पॉइंट टेबल दिखाइएगा। और यूट्यूबर्स खेलेंगे आज का गेम चेंजर, 13 पे इंस्टाग्रामर्स हैं, टिकटॉकर्स 11 पे हैं, और 10 पे चैंपियंस हैं। चारों टीम्स इन हैं, लेकिन यूट्यूबर्स आज पहली बार खेलेंगे आज का गेम चेंजर। देखते हैं किस्मत इनके साथ है या नहीं। टाइमर दीजिएगा इन्हें, ऑल द बेस्ट चारों टीम से, याद रखना, रेडी गो। भाई इसका माइक नहीं चल रहा है, माइक खोलिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ 7 7 नंबर दीजिएगा, वो बोल रहा था टाइम से पहले, इसलिए तुम्हें मौका दे रहा हूं। 7 नंबर गो। 3 3 नंबर दीजिएगा, गो। 2 8 2 2 नंबर दीजिएगा, आखिरी मौका, गो। 8 8 नंबर दीजिएगा। टीम यूट्यूबर्स को बताइए किस टीम के पास कौन कौन सा ब्रीफकेस जाएगा, गो। 5 इंस्टाग्राम। 5 नंबर दीजिए इंस्टाग्रामर्स को, गो। 4 टिकटॉकर्स। 4 नंबर टिकटॉकर्स को, गो। 9 नंबर चैंपियंस। 9 नंबर दीजिएगा चैंपियंस को। आइए शुरू करते हैं आज का गेम चेंजर। बताइए भाई कौन कौन से ब्रीफ केसेस हैं, 2 जो आप एक साथ ओपन कराना चाहते हैं। जल्दी से टाइम जा रहा है। नंबर 7 और नंबर 8 ओपन करवाया है टीम यूट्यूबर्स ने। 7 नंबर में क्या है बताता हूं, और 8 नंबर में क्या है बताता हूं। 7 और 8 में से ये दोनों बाहर है। अगला ब्रीफकेस कौन सा है, अगला ब्रीफकेस गाइस, ब्रीफकेस नंबर 3 ओपन कराया है टीम यूट्यूबर्स ने, और 3 नंबर में क्या है ये आप लोगों के डिसीजन के बाद बताऊंगा। 15 सेकंड है सोचने के लिए, गाइस टाइमर दीजिएगा, गो। 4 को 1 से हाँ 4 को 1 से क्या, चार नंबर को 1 नंबर से स्वाप करा दिया टीम यूट्यूबर्स ने। हाँ हाँ नहीं, आप पूरी टीम को ही बोल रहा हूं। लगातार 4 दिन
टिकटॉकर्स जीते हुए ऑलरेडी। लाए भाई दो नंबर लाए और लाए ब्रीफकेस नंबर 9। दो नंबर लाओ, 9 नंबर इन्होंने दिया चैंपियंस को। चैंपियंस बाहर है, आज कतरे बेहतर खेले हैं, गेम चेंजर के अंदर इन थे, जीत नहीं सके। दो नंबर में क्या बताता हूँ यार, तुम लोग की किस्मत। लाओ इंस्टाग्रामर्स भी बाहर हो गए, 5 नंबर में कुछ नहीं था, खेले बेहतर हो लेकिन गेम चेंजर तक नहीं पहुंच सके। 2 नंबर इन्होंने अपने लिए मंगाया और ये 1 नंबर आखिर में अच्छा खासा, 4 नंबर लेकर आओ। दोनों वहीं रख दो। यूट्यूबर था सबसे अच्छा खेले हैं आज के पूरे मैच में, ये लोग लड़ते हुए नजर आए हैं एक एक पॉइंट के लिए, लेकिन गेम चेंजर जीतना जरूरी होता है और जब चारों टीम्स इन हो तो जीतना जरूरी होता है। और यूट्यूबर्स गेम चेंजर नहीं जीत सके, आज की विनिंग टीम टिकटॉकर्स भी नहीं है। इस तरह आज पॉइंट्स टेबल पर आगे रहने की वजह से विनिंग टीम है टीम यूट्यूबर्स, लेकिन गेम चेंजर तुम लोग नहीं जीते हो। लाओ 6 नंबर, 6 नंबर में था आज 10 लाख रुपए जो कि आप में से नहीं मंगाया किसी ने और ना किसी और को दिया। 6 नंबर में 10 लाख रुपए आज की विनिंग टीम रही है टीम यूट्यूबर्स। में कल मिलने आऊंगा ठीक 7 बजे, दुआ करते रहना है आप लोगों ने, क्योंकि मैंने सुना है कि शायद कल मेलबर्न में बारिश होनी है तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन होगा मंडे का, होपफुली मैच हो जाए, क्योंकि अगर मैच नहीं हो सका तो 2 विनर्स होंगे भाई वर्ल्ड कप के। देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किसके नसीब में इज्जत लिखी है। मैं कल मिलने आऊंगा ठीक 7 बजे, देखना ना भूलिएगा गेम शो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।